तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नमः पार्वतीपतये
कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनी पुस्तकधारिणीम भयदा जाट्यांधकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधते पद्मासने संस्थिता देतां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये आत्मीय स्वजनों आइए हम सब साथ में मिलकर शिव तत्व दर्शन का जब आरंभ कर रहे हैं तो दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्रम का आरंभ में पारायण करें। विश्वेश्वराय नरकारणवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखर धारणाय कान्तिधवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय गौरीप्रियाय रजनीशकलाधराय
गणपतये नमः।
श्री सरस्वत्यै नमः। श्री महालक्ष्म्यै नमः। नमो भगवते चालम अंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम्। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैः व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। नमः पार्वती पतये शिवाय नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण द्वितीयायां रुद्रसंहितायां चतुर्थः कुमारखण्डः। वंदे वंदन तुष्टमान समति प्रेम प्रियं प्रेमदं पूर्णं पूर्णकरं प्रपूर्ण निखिलैश्वर्यैकवासं शिवं सत्यं सत्यमयं त्रिसत्य विभवं सत्यप्रियं सत्यदं विष्णु ब्रह्मनुतं स्वकीय कृपयोपात्ताकृतिं शंकरम्। आत्मीय स्वजन सत्कर्म परिवार के तत्वावधान में कैडिला फार्मास्यूटिकल्स परिवार द्वारा आयोजित
विशेष करके महाशिवरात्रि जब आ रही है उस पवित्र पर्व पर शिव तत्व दर्शन का तीसरा भाग आदरणीय सदगत इंद्रवदन भाई मोदी एवं परम भगवदीया शीला बहन मोदी के पुण्य स्मरण में उनके सुपुत्र मेरे आत्मीय डॉक्टर राजीव भाई मोदी का ये बड़ा दिव्य प्रकल्प की प्रतिमास पितरों का स्मरण तो होता रहे लेकिन सनातन वैदिक संस्कृति के शास्त्रों के आधार पर समग्र सृष्टि को पॉजिटिव विचार मिलते रहे, दिव्य विचार मिलते रहे। और बड़ी प्रसन्नता से मैं कह रहा हूं प्रिय स्वजनों, ये पूज्य श्री भाई यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में एक क्लासरूम निर्माण हुआ है और प्रतिमास लोग प्रतीक्षा करते हैं, उत्कंठा भी उनकी बनी रहती है कि अब अगले मास कौन सा विषय होगा। लोग अपनी अपनी जिज्ञासा भी प्रकट करते हैं कि ये सुनना है, ये सुनना है। कुछ लोग कहते हैं विष्णु सहस्त्र नाम का अगला हिस्सा कब आएगा, देवी भागवत का अगला हिस्सा कब आएगा। सब जैसे जैसे प्रतिमाह उत्सव आते रहेंगे, उत्सव के अनुकूल हम विषय पसंद करते रहते हैं। बड़ी प्रसन्नता का विषय है प्रिय स्वजनों की मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करके कैडिला फार्मास्यूटिकल्स परिवार का ये जो एक दिव्य प्रोजेक्ट दिलीप भाई जो शुरू हुआ है, प्रिय राजीव भाई का मनोरथ। और ये तो मैं केवल वर्तमान की बात कर रहा हूं प्रिय स्वजनों, भविष्य में जो इसका असर है, क्योंकि हम ये एक डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, इतनी डिटेल में शास्त्रों का अध्ययन करना और आधुनिक संदर्भ के साथ करना विथ मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। आइए वर्ष मास तो मुझे याद नहीं, लेकिन शिव तत्व दर्शन पर पहला चिंतन हमने आरंभ किया था, कोरोना का समय था जब, श्रावण मास था इतना मुझे पता है, शायद अगस्त होगा, अगस्त 2021 में पहला हिस्सा, पहला पार्ट हमने किया विद्येश्वर संहिता, 9 दिन तक उस पर चिंतन किया, 9 सत्र तक। दूसरा भाग फिर कुछ 23 में किया या 22 में किया, 22 में दूसरा भाग। और ये पूज्य श्री भाई यूट्यूब चैनल पर आप जो निरंतर श्रवण करते हैं, मैंने कहा था कि घर घर शिवालय बन रहे हैं, क्योंकि शिव पुराण में ऐसा लिखा गया कि जिस घर में शिव पुराण की कथा हो रही हो, श्रवण हो रहा हो, वह घर मानो शिवालय ही है। यहां जो स्टेज तैयार किया गया है कैलाश पर्वत, तो यहां ऐसा हमें लगता है कि कैलाश की छांव में हम बैठे हैं, लेकिन आप सबके घर भी जहां पर ये हो रहा है श्रवण, आप घर में बैठ के करते हो, तो प्रिय स्वजनों आप भी समझ लीजिए, अश्रद्धा से मानिएगा कि आपका घर भी बस ये कैलाश के आश्रय में आप भी बैठे हो और आपका घर भी शिवालय बना हुआ है। और ये जो स्थान अभी आप व्यासपीठ जो देख रहे हैं ना, उस स्थान पर मैं 10 बार जाके आया हूं, इसलिए मुझे पता है।
पहले दिन की परिक्रमा जब पूरी होती है कैलाश की, उस समय डेरापुक जो हम रहते हैं यहाँ से ये दर्शन, विशेष करके प्रातः काल वातावरण स्वच्छ हो तो उगते हुए सूर्य के किरण जब कैलाश पर्वत पर पड़ते हैं तो बस यही दर्शन जो अभी इस समय आप कर रहे हैं यही दर्शन वहां पर होते हैं। भगवान शंकर के चरणारविंद में बैठकर आइए, दूसरे सत्र में हमने भगवान शंकर और पार्वती के विवाह तक कथा की। पार्वती जी का विवाह हुआ पिता हिमालय माता मैना देवी ने बड़े भाव से अपनी पुत्री को भगवान शंकर के हाथों में सौंपा और पार्वती जी को लेकर के भगवान शंकर कैलाश में आकर विराजे। वहां पर रुद्र संहिता का पार्वती खंड विराम लेता है। अब ये तीसरा सत्र हमारा श्री शिव तत्व दर्शन का, उसमें रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड का हम आरंभ करें। शुरुआत में पहले अध्याय के प्रथम श्लोक में मंगलाचरण के रूप में भगवान शंकर की वंदना की है। वंदे वंदन तुष्ट मानसमति प्रेम प्रियम प्रेमदम, आरंभ ही करते हैं वंदे, मैं वंदन कर रहा हूं किसको, वंदन तुष्टम। भगवान शंकर इतने भोले हैं कि उनको कोई अपेक्षा नहीं अपने भक्त के पास से। भक्त बहुत बड़ी तपस्या करे, बड़े कठिन कठोर तप का आचरण करे, व्रत का आचरण करे, यज्ञ यागादि करे, ये सब अपेक्षा भगवान भोलेनाथ नहीं रखते। वंदन तुष्टम, भक्त भगवान शंकर के सामने केवल वंदन भी कर ले तो भोलेनाथ तुष्ट हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, वंदन करना ये केवल हाथ जोड़ना नहीं, वंदन करना ये केवल शारीरिक क्रिया नहीं है। वंदन कब होता है, वंदन किसे होता है, वंदन क्यों होता है? पहली बात तो वंदन जहां करना है वहां झुकने की प्रक्रिया है, झुकने में नम्रता है। कोई व्यक्ति मुझसे श्रेष्ठ है, मुझसे आगे है, आदरणीय है, ऐसा जब लगे तभी, क्योंकि प्रत्येक का अहंकार इतना होता है। प्रिय सुजन, गुजराती में कहूं तो तुमड़ू नमतुज नथी। भगवान शंकर केवल वंदन मात्र से तुष्ट हो जाए। हां, वंदन किसको करते हैं हम, सामने जो व्यक्ति है वो आदरणीय है उसके सामने मैं झुकूं। दूसरा, पूज्य कृष्ण शंकर शास्त्री जी हमारे दादाजी कहते थे, वफादारी के बिना वंदन व्यर्थ है। व्यक्ति वंदन करे लेकिन वफादारी का संकल्प न करे तो वो वंदन किस काम का, वो वंदन केवल एक शिष्टाचार बन जाता है। विमान में आप प्रवेश करो और एरोस्टेस ऐसा करके खड़े, वो वंदन कोई वंदन है, वो केवल एक शिष्टाचार है। आजकल बड़े प्रसंगों में या कहीं कभी विवाह प्रसंग ऐसा होता है, किसी फाइव स्टार होटल में जाना हो तो वहां के दरवाजे पर भी खड़े हुए जो प्रतिहारी है, वॉचमैन लोग, वो भी वंदन करते हैं। ऐसे शिष्टाचार है, वो कोई आपसे वफादार नहीं है। तो वफादारी के बिना वंदन व्यर्थ है। भगवान शंकर केवल वंदन से तुष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर को वंदन करना अर्थात शिवजी से हमें बहुत कुछ सीखना है, शिवजी के बहुत कुछ आशीर्वाद की हमें आवश्यकता है। और शिव तत्व का अर्थ ही है शंकरोति इति शंकर,
कल्याण जो करे वो शंकर है, कल्याणमयी प्रवृत्ति को के साथ हम वफादारी से लगे रहेंगे, ये हमारा संकल्प जब हो। वंदन तुष्टम मानसमति प्रेम प्रियम प्रेमदम। जिनको प्रेम अत्यंत प्रिय है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेहु जो जान निहारा। भगवान श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्रिय है, तो राम जी जिनकी उपासना करते हैं ऐसे भगवान शंकर भी प्रेम प्रिय। और सच पूछो ना प्रिय स्वजन, तो आज के युग में यही आवश्यक है। आज का युग ऐसा है कि सबके पास सब कुछ आ गया है। अब एक व्यक्ति दूसरे को क्या देगा, क्योंकि दूसरा स्वयं समर्थ है। सब कोई अपनी जीवन की आवश्यकताएं अपने पुरुषार्थ से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक बात ऐसी है जो व्यक्ति स्वयं नहीं पा सकता, उसे दूसरे मनुष्य की आवश्यकता पड़ेगी, और वो भी कोई दूसरी एजेंसियां नहीं दे पाएगी। यदि कोई व्यक्ति भूखा है तो गवर्नमेंट एजेंसी व्यवस्था करेगी कि उसके पास अनाज पहुंच जाए, कोई एनजीओज होंगे, कोई सेवाभावी संस्थाएं होंगी जो व्यवस्था करेगी कि वो गरीब के घर में, निर्धन के घर में भोजन की व्यवस्था हो जाए। लेकिन प्रेम एक ऐसी संवेदना है प्रिय स्वजनों कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता पड़ेगी। लौकिक संपत्ति चाहे जितनी भी इकट्ठी कर ले, व्यक्ति प्रेम के लिए तो प्यासा अवश्य रहेगा। और प्रेम एक ऐसा संवेदन है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दे सकता है। बुद्धि शक्ति ये तो यंत्र के पास से भी मिल जाएगी, और आधुनिक युग में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो जिस तरह से गैलपिंग स्पीड से बढ़ रहा है, बड़ी भयावह स्पीड से बढ़ रहा है, तो लगता है कि बुद्धि के लिए कोई दूसरे की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब स्कूल में बच्चों को निबंध लिखना हो तो माँ बाप की आवश्यकता नहीं पड़ती, चैट जीपीटी को पूछ ले निबंध बन जाता है। कोई आपको तैयारी करनी हो तो किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती किसी समझदार व्यक्ति से पूछने की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूछ लो, सब व्यवस्था आपके लिए हो जाएगी। नौकरी करनी है तो सीवी बनाना है अपना, तो केवल चैट जीपीटी से पूछ लो, बना के दे देंगे। और ये तो अभी शुरुआत है, जब आगे बढ़ेगा तो कितना आगे बढ़ेगा। लेकिन एक बात तय है प्रिय स्वजनों, यंत्र मशीन आपको प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम करने के लिए तो दूसरे मनुष्य की आवश्यकता होगी। भगवान शंकर प्रेम प्रियम, तो भगवान शंकर ये मानवता जो है, ह्यूमननेस, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी से भी नहीं, मानव, मानव्य, उस गुणों के चाहक हैं। प्रेम प्रेम प्रियम प्रेमदम, प्रेम प्रिय भी है। और भगवान भोलेनाथ देते क्या है, बाकी तो सब दे देंगे, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, लेकिन वो उससे सबसे मूल्यवान जो भगवान शंकर के पास से प्राप्त होता है प्रेम, भगवान शंकर प्रेम देते हैं। पूर्णम पूर्ण कर, ये जैसे प्रेम प्रियम प्रेमदम, ऐसे पूर्णम पूर्ण करम, भगवान शंकर स्वयं पूर्ण है और स्वयं पूर्ण है इसलिए दूसरे को पूर्ण कर सकते हैं। एक बात याद रखना, मैंने कई बार अभी प्रवचनों में कहा है कि व्यक्ति के पास जो होता है वो ही वो दे सकता है। जो स्वयं चिंता में होगा उसके पास बैठे हुए व्यक्ति को भी चिंता ही देगा, जो स्वयं ईर्ष्या से भरा होगा उसके पास जाके जो बैठा होगा उसको ईर्ष्या ही देगा, जो स्वयं दुखी होगा उसके पास कोई जाएगा तो वो दुखी होके ही आएगा, और जो स्वयं पूर्ण होगा उसके पास यदि बैठोगे तो वो पूर्ण ही देगा। पूर्णम पूर्ण करम प्रपूर्ण निखिलैश्वर्यैकवासम शिवम। निखिल ऐश्वर्य
संपूर्ण ये संसार का जो ऐश्वर्य है, जो ग्लोरी है, जो एक्ज्यूबरेंस है, उसका एकमात्र स्थान भगवान शिव जी है। क्यों? क्योंकि एकमात्र कारण यह है कि भगवान शंकर को कुछ चाहिए नहीं। ऐश्वर्य केवल संपत्ति इकट्ठी होने से नहीं होता है, ऐश्वर्य केवल सुख सुविधा के साधन आसपास आ जाने से नहीं होता है, ऐश्वर्य केवल बैंक बैलेंस बढ़ जाने से नहीं होता है, ऐश्वर्य केवल इन्वेस्टमेंट हो जाने से नहीं होता है। ऐश्वर्य तब आता है जब आपको कुछ चाहिए नहीं। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वह शाहों के शाह। ऐश्वर्य तब आता। तो भगवान शंकर निखिल ऐश्वर्य एक वासम, निखिल ऐश्वर्य के एकमात्र निवास है। क्यों? उनको कुछ नहीं चाहिए। शिवम सत्यम सत्यमयम त्रिसत्य विभवम, जो स्वयं सत्य रूप है, जो सत्यमय है, और त्रिसत्य विभवम भूत भविष्य वर्तमान, ये त्रिसत्य जिसका अबाधित है, उसको कोई छेदन नहीं कर सकता। ऐसे सत्य प्रियम सत्यदम, देखिए प्रेम प्रियम प्रेमदम, पूर्णम पूर्णकरम, सत्य प्रियम सत्यदम, ये भगवान शंकर की लाक्षणिकता है। भगवान शंकर को सत्य प्रिय है। मोहि छल छिद्र न भावा, जितना व्यक्ति कल्याणमय होता जाएगा, स्वयं अपना कल्याण करेगा, समाज का कल्याण करेगा, राष्ट्र का विश्व का कल्याण करेगा, उतना याद रखना वो व्यक्ति ट्रांसपेरेंट बनता जाएगा। एक को एक कहा, दूसरे को दूसरा कहा, तीसरे को तीसरा कहा, ये व्यक्ति कभी कल्याण कर ही नहीं सकता। सत्य प्रियम सत्यदम विष्णु ब्रह्मनुतम स्वकीय कृपयो पात्ता कृतिं शंकर। विष्णु और ब्रह्मा जी जिनको नमस्कार कर रहे हैं, जिनकी स्तुति कर रहे हैं, ऐसे और स्वकीय कृपयो पात्ता कृतिं, स्वकीय कृपया आकृतिम उपात्त, अपनी कृपा से, अपने अनुग्रह से, अपनी इच्छा से, निजानंद के लिए ही जो आकार धारण करते हैं, अवतार धारण करते हैं, स्वरूप धारण करते हैं, ऐसे शंकरम वंदे, भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूं। ये मंगलाचरण किया, प्रवेश जब करते हैं, नारद जी कहते हैं, विवाहयित्वा गिरिजाम शंकरो लोक शंकरः गत्वा स्वपर्वतम ब्रह्मन् किमकार्षाद्धि तद्वद। याद रहे शिव पुराण और विशेष करके रुद्र संहिता जो है वो हमें ब्रह्मा जी और नारद जी के संवाद से प्राप्त हुई है। नारद जी प्रश्न पूछते हैं, ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं, और नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। तो ये पिता पुत्र के संवाद में से हमें रुद्र संहिता प्राप्त हुई है। पिता पुत्र का यह संवाद, नारद जी प्रश्न पूछते हैं ब्रह्मा जी से कि विवाहयित्वा गिरिजाम शंकरो लोक शंकरः, लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर ने पार्वती जी के साथ विवाह किया, और फिर गत्वा स्वपर्वतम, स्वपर्वत उनका अपना पर्वत कैलाश में जाकर के फिर किम कार्षित, क्या किया उन्होंने ये मुझे बताइए। कथम ही तनयो जग्मे, हमने सुना है कि भगवान शंकर को दो पुत्र
कार्तिक स्वामी और गणपति, तो ये पुत्र कैसे उत्पन्न हुए? इतना ही नहीं, तारकस्य कथम ब्रह्मन् वधो भूद्देव शंकर, तारकासुर का वध कैसे किया? ये जो प्रश्न पूछे तो ब्रह्मा जी कहते हैं, चरितम शृणु वक्ष्यामि शशिमौलेस्तु नारद। भगवान शशिमौली का चरित्र अब मैं बताता हूं कि पार्वती जी के साथ विवाह करके फिर उनका गृहस्थाश्रम कैसे आगे बढ़ा। प्रिय स्वजनों, एक अत्यंत सुंदर दाम्पत्य है शिव और पार्वती का। शिव और पार्वती का अत्यंत सुंदर दाम्पत्य है ये। भगवान शंकर के साथ विवाह करके उमा, पार्वती, अपर्णा, शिवा, जो अलग अलग नामों से जानी जाती हैं, उसने अपना जीवन सफल किया है। ये बात तो सत्य है कि भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करके पार्वती ने जो तपस्या की थी वो उसका फल प्राप्त किया। ये सब हम दर्शन कर चुके हैं पार्वती खंड में, शिव तत्व दर्शन के दूसरे विभाग। तो साथ में ये भी वास्तविकता है प्रिय स्वजनों की, पार्वती को पा करके भगवान शंकर ने भी कृतार्थता का अनुभव किया। और हम भगवान शंकर और पार्वती के दाम्पत्य को श्रेष्ठ क्यों कहते हैं? आज भी जब श्रेष्ठ दाम्पत्य के आशीर्वाद दिए जाते हैं तो कहा जाता है कि शिव पार्वती का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हो। क्यों? जिस दाम्पत्य में पति पत्नी दोनों को सफलता की अनुभूति हो, दोनों को लगे कि मेड फॉर ईच अदर तो है लेकिन एक दूसरे को पाकर के हम सफल हुए, पूर्ण हुए, कृतार्थ हुए, वह दाम्पत्य श्रेष्ठ है। संसार में कई बार ऐसा देखा जाता है कि पत्नी को लगता है कि पति अच्छा मिला लेकिन पति को लगता है पत्नी ठीक नहीं मिली, या वाइस वर्सा। किसी को भी अपूर्णता लगे कि ये कहां आ गया, ये कहां आ गया, तो फिर समझना वो दाम्पत्य श्रेष्ठ नहीं। शिव पार्वती का दाम्पत्य इसलिए श्रेष्ठ है कि दोनों एक दूसरे को पाकर के प्रसन्न हुए हैं, सफल हुए हैं, कृतार्थ हुए। भगवती पार्वती की महिमा को शिवजी तो जानते ही हैं, क्योंकि पार्वती कोई भिन्न नहीं, वो शिवजी की ही ऊर्जा है, शिवजी की ही शक्ति है, शिवजी की ऊर्जा का ही साकार स्वरूप पार्वती है। एक बात ध्यान रखना प्रिय स्वजनों कि सारी कथाएं जो हम अभी ये नौ सत्र में हम देखने जाएंगे, शिव पार्वती का श्रृंगार भी आगे चलकर आएगा शिवपुराण में ही। तो कई बार लोगों को प्रश्न होता है कि क्या भगवान भी यही करते हैं? संसार में भी तो लोग यही करते हैं, विवाह करते हैं, फिर अपना घर बसाते हैं, संतान उत्पन्ति करते हैं, गृहस्थाश्रम चलता है, तो भगवान भी यदि यही करें, जो प्रश्न नारद जी ने पूछा ना कि कैसे हुए संतान उनको, क्या बताओ मुझे। ये सारी कथाएं, ये सारी घटनाएं, ये सारे प्रसंग शक्ति और शक्तिमान का लीला विलास है। हम इस समय शिव पुराण का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें भगवान शंकर का उत्कर्ष वर्णन किया जाएगा, भगवान शंकर की महिमा का वर्णन किया जाएगा। देवी भागवत का भी हम अध्ययन करते हैं, जब देवी भागवत का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि वहां पर शक्ति का उत्कर्ष वर्णन किया जाता है, वहां शक्ति की महिमा दिखाई जाती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि लोगों को क्या लगता है फिर कौन बड़ा, शिव जी बड़े या मां पार्वती भगवती बड़ी, राम जी बड़े या कृष्ण बड़े। पता नहीं क्यों लोगों को ये निर्णायक बनकर बैठने की इच्छा हो जाती है, जज बनकर, फिर वो अपनी बुद्धि से कहते हैं हाँ राम जी ये है, कृष्ण की इतनी कला, राम जी की इतनी कला,
हम होते कौन हैं? और मैं तो आगे चल के कहता हूं, हमें आवश्यकता क्या है ये सब करने की? सच पूछो, जब ग्रंथों का अवगाहन किया जाए, चिंतन मनन किया जाए, ध्यान किया जाए, और सबसे विशेष तो ये सब करने के बाद ईश्वर की कृपा का अनुभव किया जाए, तब पता चलता है कि तत्व तो एक है, ये केवल उसका लीला विलास है। गुजराती में आप कहें जेना लगन होना गीत गवाए, परिवार में तो सब समान है, सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, सब एक दूसरे के जीवन में आनंद की अनुभूति कराते हैं, पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। लेकिन जिसका बर्थडे आया, 10 साल के पिंटू का बर्थडे आया, तो फिर वो 2 दिन पहले से पिंटू 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 यही सुनाई पड़ेगा ना आपको। पिंटू का बर्थडे चला गया, फिर 15 दिन बाद बिटिया का बर्थडे आया, महीने भर बिटिया का बर्थडे आया, तो बिटिया की सगाई हो रही है, तो महीने भर पहले से बिटिया बिटिया वही चर्चा चलती थी, हमारी बिटिया बहुत अच्छी, हमारी बिटिया ये। अब उस समय पिंटू छोटा मुंह करके बैठ जाए, मेरी तो कोई बात नहीं करता, अरे तेरे बर्थडे था तब तेरी बात हुई थी, और तेरी बात कोई नहीं कर रहा इसका अर्थ तू महत्वपूर्ण नहीं है ऐसा नहीं है। जो बहना की बात हो रही वो भी तेरी ही बहना है। अब यहां फिर भी परिवार में तो पात्र अलग है, पिंटू अलग है, दीदी अलग है, वो अलग है, यहां जो बात हो रही है वो केवल स्वरूप अलग है, तत्व एक ही है। तो कभी भी प्रिय स्वजनों, यदि आप आध्यात्म के मार्ग पर उन्नति करना चाहते हो, अनुभूति श्रेष्ठ करना चाहते हो, तो कभी भी ये तुलना में मत पड़ना कि राम बड़े या कृष्ण बड़े या शिवजी बड़े या मां भगवती बड़े या गणपति बड़े या हनुमान जी बड़े। जहां आपका मन लगे, जहां आपको आत्मीयता का अनुभव हो, बस उसी के आश्रय में। उपासना जब सिद्ध होगी तो पता चलेगा कि कोई अलग था ही नहीं, सब एक ही है, ये लीला विलास है। ये प्रसंग याद आ रहा है, शिव पुराण है या देवी भागवत है, तो यहां पर हम शिव और शक्ति को कहते हैं। सर पूछा जाए तो परब्रह्म और उसकी ऊर्जा वैष्णव संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण ये परब्रह्म है। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, मधुसूदन सरस्वती जी। और राधा जी ये शक्ति स्वरूप है। वहां भी लोगों की चर्चा, कृष्ण बड़े या राधा बड़ी, जय श्री कृष्ण बोलना चाहिए या राधे राधे बोलना चाहिए, पता नहीं लोग कैसी कैसी व्यर्थ उलझनों में पड़े रहते हैं। ब्रज में भी अब बरसाना के आसपास रहोगे तो वहां तो श्री स्वामिनी जी का साम्राज्य है, राधे 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 राधे। तो बरसाना के महात्मा कहेंगे कि वो गोकुल का छोरा, वृंदावन का छोरा हमारी श्री के पीछे आता है, यहां संकेत वन में मिलने आते थे, ये ऐसे करते थे। बरसाना में श्री को साम्राज्य, और वृंदावन गोकुल में जाओ तो वो कहेंगे कि वो बरसाने की छोरी यहां आती है, हमारे कृष्ण बड़े हैं। ये मधुर कलह प्रिय स्वजन, मेरे विशेषण को ध्यान से सुनना प्लीज, नहीं तो आजकल ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मीडिया में केवल बीच के कुछ 40 सेकंड उठा के उसकी रील बना दे कि ऐसा कहा, ये मधुर कलह
बरसों से सदियों से चला आ रहा है। मेरे अंतकरण में जिनके प्रति अत्यंत आदर है ऐसे महापुरुष परम श्रद्धेय संत पूज्य स्वामी शरणानंद जी से पूछा गया है, किसी ने भक्त ने जाकर यह प्रश्न पूछा कि महाराष्ट्र हम किसकी सुने, गोकुल वृंदावन वालों की सुने या बरसाने वालों की सुने, कृष्ण महान या श्री राधा जी महान। महाराज श्री हंस पड़े और कहा, अब देखिए ये महापुरुषों का तरीका भी कितना होता है सुंदर समझाने का। हंस के उन्होंने कहा, मेरी स्थिति फुटबॉल जैसी है, कन्हैया के पास जब बैठा रहता हूं तो कन्हैया मुझे श्री राधा जी के पास भेज देता है, तो जब कन्हैया से चलता हुआ मैं राधा जी के पास जाता हूं तब राधे 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 स्मरण करता हुआ जाता हूं, और राधा जी के चरणों में जब जाता हूं तो करुणामयी मां राधा अपना आशीर्वाद तो मुझे देती है लेकिन कहती है श्री कृष्ण के पास जाओ। तो मेरी तो स्थिति, मेरी जो संपूर्ण आराधना है ये फुटबॉल जैसी है, और राधा के चरणों में होता हूं तो कृष्ण कृष्ण करता हुआ राधा कृष्ण के पास आता हूं, और कृष्ण के चरणों में होता हूं तो कृष्ण के कहने पर राधे 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 कहता हुआ श्री राधे के पास जाता हूं, और हमारी तो अध्यात्म यात्रा इसी में चल रही है। तत्व दोनों समान है प्रिय स्वजनों, हम होते कौन है कि कृष्ण बड़े कहने वाले या राधा बड़ी कहने वाले। अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो ये परब्रह्म और उसकी शक्ति है, उसका विलास है। संत ज्ञानेश्वर महाराज, उन्होंने एक अद्भुत ग्रंथ लिखा अमृतानुभव, कहते हैं इसमें कौन गौण और कौन प्रधान ये आप कह ही नहीं सकते, कौन बड़ा कौन छोटा ये आप नहीं कह सकते। बड़ा सुंदर श्लोक है संत ज्ञानेश्वर जी महाराज का अमृतानुभव में, सार्धम के न च कस्यार्धम शिवयो समरूपिणो ज्ञातुम न शक्यते लग्नम इति द्वैतच्छलान मुहुः। कौन गौण कौन प्रधान ये हम नहीं कह सकते, क्यों? ये चर्चा में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये चर्चा में प्रवेश करो उससे पहले ये तो तय करो कि ये दो हैं भी या नहीं। जब कहते हो कि एक बड़ा एक छोटा तो इसका अर्थ है पहले दो तो स्वीकार लेते हो ना, कि जब दो हैं तभी तो बड़ा छोटे का प्रश्न आएगा, पहले ये तय करो कि ये दो भी हैं या नहीं, और तब आपको पता चलेगा कि वह दो है ही नहीं, वस्तुतः वह एक ही तत्व है। एक ही तत्व दो स्वरूप लेकर के लीला विलास करता है। तो शिव और शिवा के ऐसे दिव्य लीला विलास का वर्णन कुमार खंड में ब्रह्मा जी आरंभ करते हैं। नारद, भगवान शंकर के दिव्य चरित्र को मैं कहूंगा, भगवान कार्तिकेय की उत्पत्ति की दिव्य कथा का वर्णन करूंगा, और कार्तिकेय ने जिस तरह से तारकासुर का वध किया यह प्रसंग भी मैं बताऊंगा, और यह कथा श्रूयताम कथयाम यद्य कथाम पाप प्रणाशिनीम, यह कथा मनुष्य के पाप को दूर करने वाली है। कैसा है यह आख्यान? इदम आख्यानम अनघम रहस्यम परमाद्भुतम, ये पाप रहित है, रहस्य है, गोपनीय है, परम अद्भुत है, और विशेष तो आज के युग में जिसकी आवश्यकता है ये प्रिय स्वजनों,
पाप संताप हरणम, मनुष्य के पाप को दूर करता है, इतना ही नहीं उसके संताप को भी दूर करता है। आधुनिक युग में हम पाप दूर करने में उतने उत्सुक नहीं है जितने संताप दूर करने में है। लोग अपने स्ट्रेस को दूर करना चाहते हैं, अपने मन की पीड़ाओं को दूर करना चाहते हैं, उसके लिए ये कार्तिकेय का जो और भगवान गणेश के प्रागट्य की कथा भी आएगी वह सर्वमंगलदम सारम सर्व विघ्न विनाशनम। ये कथा का श्रवण करने से मनुष्य के विघ्न भी दूर होते हैं, मंगल होता है। सुखदम मोक्ष बीजंच कर्म मूल निकृंतनम, कर्म का जो मूल है, कर्म कैसे होता है अज्ञान के कारण, तो वो कर्म मूल निकंदनम, कर्म के मूल का विनाश करने वाला ये। ब्रह्मा जी वर्णन आरंभ करते हैं, कैलासम आगत्य शिवाम विवाह्य शोभाम प्रपेदे नितराम शिवोपी विचारयामास च देव कृत्यम पीड़ां जनस्यापि च देव कृत्ये। भगवान शंकर विवाह करके पार्वती जी को लेकर के कैलाश में पहुंचे, कैलाश की शोभा अति सुंदर हो गई। उसके बाद भगवान शंकर विचार करने लगे कि अपने भक्तजनों की पीड़ा को मैं कैसे दूर करूं। शिव जी जब कैलाश पहुंचे तो वहां पर महान उत्सव होने लगा। भगवान शंकर के विवाह में जो देवतागण आए थे, मुनिगण आए थे, वो सब धीरे 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 अपने अपने स्थानों की ओर प्रस्थान करने लगे और भगवान शंकर पार्वती के साथ देवताओं के जिस तरह से वर्षों का समय की गिनती होती है उसके अनुसार, शिव पुराण में लिखा है, जरा कान खोल कर सुनना और ध्यान से सुनना, 1000 वर्ष तक रमण किया है, विहार किया 1000, और वो भी देवताओं का प्रमाण। तब तक भगवान शंकर और पार्वती जी का दिव्य विहार चलता रहा। सहस्र वर्ष पर्यंतम देव माने न मानद। अब 1000 वर्ष तक भगवान शंकर और पार्वती का विहार चलता रहा तो देवताओं को तो चिंता हो गई। देवता सोचने लगे कि यूं तो भगवान योगीश्वरो निर्विकारो स्वात्मा रामो निरंजन, भगवान शंकर तो योगी हैं, योगीश्वर हैं, निर्विकार हैं, उनको सुख के लिए कोई दूसरे शरीर की या दूसरे वस्तु की आवश्यकता नहीं, वो तो स्वात्मा राम हैं, निजानंद में मग्न रहते हैं। तो ऐसे भगवान शंकर इतने डूबे हुए हैं और विहार करते हैं तो अच्छी बात है, चलो विहार करें, लेकिन अभी तक उनको कोई पुत्र नहीं हुआ। नोत्पन्नस्तनयस्तस्य न जानी मोत्र कारणम, अब इसका कारण भी हमें पता नहीं। देवताएं सोचते हैं हमने भगवान शंकर का विवाह क्यों कराया, ताकि उनको पुत्र हो। जो पुत्र तारकासुर का वध करे, देवताओं को एक ही चिंता थी, भगवान शंकर का विवाह हो ना हो, इससे देवताओं को कोई लेना देना नहीं है। देवताओं को तो अपना स्वार्थ था कि तारकासुर की जो पीड़ा थी, जिससे लोग त्राहिमाम पुकार गए थे, वो तारकासुर कैसे मरेगा। ब्रह्मा जी ने तारकासुर को वरदान दिया था कि और तो कोई मार नहीं सकता, केवल भगवान शंकर। तारकासुर ने कहा ना, तारकासुर ने तो कहा मुझे कोई मार ही न सके, पर ब्रह्मा जी कहते ये तो नहीं होगा, मृत्यु तो अवश्य आती है, कोई राइडर तो रख सकता है फाइन प्रिंट में कंडीशन सप्लाई वाला। तो तारकासुर ने सोचा, तारकासुर भी बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने सोचा कि भगवान शंकर की पत्नी सती, ये सब पूरी कथा हम दूसरे सत्र में देख चुके हैं, अपने पिताजी दक्ष के यज्ञ में गई, शिव जी का अपमान होते हुए देखा और सती ने आत्मविलोपन कर लिया, अपने देह को भस्मीभूत कर दिया,
और उसके बाद सती को याद करते हुए भगवान शंकर तो ध्यानस्थ हो गए, तपस्या में लीन हो गए। तारकासुर ने सोचा कि अब भगवान शंकर विरक्त हैं, आत्मा राम हैं, विवाह किया था लेकिन वो तो पूरी हो गई बात, अब तो कहां भगवान शंकर विवाह करेंगे, कहां उनका पुत्र होगा, तो मेरी तो मृत्यु होने वाली है ही नहीं। तारकासुर ने राइडर के रूप में ब्रह्मा जी से कहा कि शिव जी का पुत्र मुझे मारे, शिव जी के पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो, अन्यथा किसी से ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब जब तारकासुर की एट्रोसिटीज बढ़ गई तो सब ये कथा है कि देवताओं के पास देवता सब जाके भगवान शंकर से मनाया। यहां पर सब देवता सोचते हैं कि भगवान शंकर का विवाह हमने केवल विवाह के लिए नहीं कराया था, हम तो चाहते थे कि भगवान शंकर का पुत्र हो, जो पुत्र तारकासुर को मारे हमें शांति मिले। ये मेंटालिटी जरा समझना। भगवान शंकर के विवाह से कैलाश में जो उत्सव हुआ है, भगवान शंकर के गणों ने जो उत्सव किया है, उनको तो केवल इसीलिए कि हमारे भगवान शंकर को आनंद आ गया, पार्वती को पाकर के प्रभु शंकर प्रसन्न हो गए तो हम प्रसन्न, बस। ये जो सेवक का भाव है, मेरे स्वामी प्रसन्न तो मैं प्रसन्न, तत्सुखे सुखी त्वम भक्ति मार्ग, नारद जी कहते हैं। फिर कोई दूसरा एजेंडा नहीं होता। तो देव शिव गणों ने तो बड़ा उत्सव किया लेकिन देवता, उनका तो कार्य अभी अधूरा है, उनका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ है। प्रिय सज्जनों, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कई बार देवताओं को स्पष्ट स्वार्थी शब्द प्रयोग किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड में प्रसंग है, भरत जी जब चित्रकूट में प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिलने जाते हैं, मिलने नहीं, राम जी को वापस अयोध्या बुलाने के लिए जाते हैं, विनती करने के लिए जाते हैं, उस समय भरत जी राम भक्ति से इतने ओतप्रोत हैं, देवताओं ने सोचा कि यदि भरत जी गए श्री रामचंद्र जी के पास और राम जी को बुलाकर समझा बुझा करके आग्रह करके वापस अयोध्या ले गए तो फिर हमारा काम कैसे होगा। और देवताओं का काम यही हो, एक ही होता है कि भी दुष्टों का संहार हो, देवता स्वयं नहीं कर सकते इसलिए कोई अवतार की अभिलाषा रखते। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम भगतिमय भरतु निहारे सुर स्वारथी हरि ही हारे। 294 वचन दोहा है अयोध्या कांड में। राम भगति मय भरतु निहारे, राम भक्ति से मय डूबे हुए ऐसे भरत जी को जब देखा तो सुर स्वार, सुर देवता, स्वारथी हरी, ये टिपिकल अवधी भाषा, घबरा गए और ही हारे, हृदय से हार गए, निराश हो गए। अरे अब भरत जी जो राम जी को वापस ले जाएंगे अयोध्या तो हमारा क्या होगा, ये देवताओं हमारा क्या होगा, राम जी को राज्य मिले उससे निस्बत नहीं है, हमारा काम होना चाहिए। 295 में दोहे में कहते हैं, सुर स्वारथी मलिन मन कीन कुमंत्र कुठाटू। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने कुठातु षड्यंत्र किया। राम जी जाए, राम जी जाने वाले नहीं थे वो बात अलग थी, लेकिन देवताओं को पहले डर लग गया क्या होगा यदि राम जी चले जाएंगे तो। देवता स्वार्थी। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने गांवठी भाषा में लिखा तो इसलिए सीधे स्पष्ट में कह दिया स्वार्थी। पुराणों में श्रीमद् भागवत का महात्म्य जो है पद्म पुराण के उत्तरखंड में
उसके पहले अध्याय के ही 14वें श्लोक में है, स्वकार्य कुशला सुरा शुकम नत्वावदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमां। श्री सुखदेव जी जब परीक्षित को भागवत कथा का श्रवण करा रहे हैं तो स्वकार्य कुशला सुराहा, अपना कार्य करने में कुशल, स्वार्थी हुआ ना दूसरा के, वो केवल अपना स्वकार्य देखते हैं, पर कार्य नहीं देखते, परम कार्य की तो बात ही दूर। ऐसे देवता लोग स्वर्ग का अमृत लेकर के आए, कथा आप जानते हो श्रीमद् भागवत में, और परीक्षित से कहा कि 7 दिन के बाद तक्षक नाग काटेगा, तेरी मृत्यु होगी, इसलिए तू कथा श्रवण कर रहा है, ले हम तुझे स्वर्ग का अमृत देते हैं, ये कथामृत हमें दे दे। तब फिर परीक्षित और सुखदेव जी की दृष्टि एक हुई, पूछा गया कैसे करूं, सुखदेव जी ने कहा क्व काच क्व मणि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान। लेकिन स्वकार्य कुशला सुर, कहने का आशय यहां पर शिवपुराण की कथा में प्रिय सुजनों कि देवता लोगों को भगवान शंकर पार्वती जी के साथ एक हुए सुंदर विहार कर रहे हैं, 1000 वर्षों तक ये दोनों का आनंद चलता रहा, उससे देवताओं को संतोष नहीं। देवताओं को तो एक ही बात है, हमारा काम नहीं हो रहा है, बस ये देवता कौन है, सब जगह होते, मत ऐसा समझना कि कहीं ऊपर स्वर्ग और वहीं पे देवता होते, देवता एक टर्म है। सत्संग में भी हो ना कथा, हम तो एक परिवार के रूप में बैठे हैं, लेकिन जब बड़े बड़े आयोजन होते हैं, हजारों लोग जहां पर इकट्ठे होते, तो जब हजारों लोग इकट्ठे होते हैं ना, तो ये आधुनिक युग के जो देवता हैं, पॉलिटिशियंस, राजनेता, उसमें भी चुनाव का समय नजदीक आ रहा हो तो उनके मुंह में पानी आने लगता है। श्रोता आते हैं कथा श्रवण करने के लिए, वक्ता आते हैं कथा का वर्णन करने के लिए, वो सब आयोजक भी होते हैं, उनकी भी एक अच्छी इच्छा होती है कि लोगों को कुछ अच्छा सुनने मिले। राजनेता को कभी बुलाओ ना तो उसको ठीक है, कथा तो वो देखते रहता है, हमारी तो दृष्टि पड़ती है ना, वो देखते हैं ऑडियंस कितना है, कितने इतने लोग बैठे हैं, और वो अपनी गिनती करता है, मुझे जब बोलना मिलेगा तो मैं क्या बोलूंगा, मैं अपनी बात क्या करूंगा। उनका हमेशा एक हिडन एजेंडा रहता है, और मैं केवल राजनेताओं के लिए कहूं ऐसा नहीं, समाज में ऐसे लोग हमेशा होते हैं जो कहीं भी किसी भी प्रसंग में जाए, निमंत्रण के लिए तो कहा जाता है कि आकर के शोभा में अभिवृद्धि करना, लेकिन वो शोभा में अभिवृद्धि नहीं करते। वो किसी वेडिंग सेरेमनी में, विवाह समारंभ में भी गए तो वो जिसका विवाह हो गया वो तो काम पे लग गए, उनसे उसको नस्बत नहीं है, अपना नेटवर्किंग कितना होता है, या अपना बेटा है उसके लिए कोई पात्र मिलता है, अपनी बेटी है उसके लिए कोई मिलता है, ये जिसका विवाह हो रहा है उसके लिए प्रार्थना करने वाले कितने कि इनका दाम्पत्य जीवन धन्य हो। अधिकतर लोग, मुझसे अधिक आप जाते होंगे विवाह समारंभों में, मैं तो जाता भी हूं तो 10 मिनट से ज्यादा टिकता नहीं वहां पर, सीधा स्टेज पे जाके आशीर्वाद दे के वापस, लेकिन आप लोग बैठते हो, मिलते जुलते हो, खाना खाते वो सब करते हो, सोशलाइज करते हो, क्या होता है आप निरीक्षण करना, केवल एक ही बात, अपना नेटवर्किंग, हमारा ये कामकाज है, आपका क्या का, लोग कहीं भी इवन खेद के साथ कहना पड़ता है, इवन भगवान के काम में भी आएंगे, कोई सी यज्ञ यागादिक में जाएंगे, कथाओं में आएंगे, ग्रंथ समझना है, भगवान के समीप जाना है, वो प्रायोरिटी नहीं होती, कुछ नए कांटेक्ट बनते हैं तुरंत, आपका नंबर क्या है मुझे दे दो, और चालू व्हाट्सएप 15 दिन में तो ओहो, हमारे जैसे बरसों बरसों के संबंध कहां से हुए, क्यों हुए,
अब जिस भगवान की वजह से हुए वो प्रवृत्ति तो बाजू पर, खाना पीना, शॉपिंग, सोशलाइजिंग, गॉसिपिंग, देखा होगा ना आपने, उनके लिए कोई दूसरा शब्द प्रयोग मत करना, उनके लिए ये शब्द प्रयोग करना, ये सब देवता लोग हैं। स्वकार्य कुशला सुधा, वो केवल अपना कार्य हो, यही पर्पज है। मैंने तो बचपन गांव में बीता है गुजरात में, इसलिए वर मरो कन्या मरो पण गौरनु तरभाणु भरो, दूसरे का चाहे जो भी हो जाए हमारा काम होना चाहिए। तो हमें निंदा तो करनी नहीं है किसी की। प्रिय स्वजनों, ये बीमारी कोई आज की नहीं, हमारे सामने जब आती है ना तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं, मैं भी हो जाता हूं अस्वस्थ कि क्यों ऐसा करते हैं लोग। तब तो शिव पुराण पढ़ो तो पता चलता है कि लोग ये वृत्ति बहुत पुरानी रही है। स्वकार्य कुशला सुरा, विचार जरा सोचिए कि भगवान शंकर और पार्वती के विवाह से भी जिनको संतोष नहीं है उनको तो अपना कार्य करना है। स्पष्ट लिखा है कि देवता लोग सोचते हैं विलंब क्रियते तेन कथम देवेश्वरेण, ये देवों के देव भगवान महादेव ये विलंब क्यों कर रहे हैं, जल्दी से उनको पुत्र जन्म हो जा रहे, भाई उसकी मर्जी, संतान प्राप्ति करनी है नहीं करनी है, करनी है तो कब करनी है उनकी मर्जी, आप बाहर बैठे जब जल्दी से उनका भी पुत्र हो जाए, जल्दी से उनका पुत्र हो जाए, हमारा काम हो जाए बस। ब्रह्मा जी के पास सब देवता आए, ब्रह्मा जी सबको लेकर के विष्णु के पास गए हैं, तो वहां पर भगवान विष्णु ने बहुत सुंदर उपदेश किया है। ऐसे तो शिव पुराण में भगवान विष्णु जब कुछ कहते हैं तो विष्णु रुवाचक ही है, लेकिन यहां पर जब विष्णु बोले तो श्री भगवान रुवाचक, क्योंकि जो बोले हैं वो बड़ी सुंदर मूल्यवान बात कही है। चिंता नास्ति जगद्धातः सर्वं भद्रं भविष्यति, शरणं व्रज देवेश शंकरस्य महाप्रभो। ये श्लोक के पहले दो चरण भी याद रह जाए ना, चिंता नास्ति, चिंता मत करो, सर्वं भद्रं भविष्यति, जो कुछ होगा सब कल्याणकारी होगा, जो भी जो सब कुछ कल्याणकारी ही होगा। हे देवता लोग, आप भगवान शंकर की शरण में जाइए। महेश शरणापन्ना ये जना मनसा मुदा, जो मनुष्य मुदा मनसा प्रसन्न मन से भगवान शंकर की शरण में जाता है, तेषां प्रजेश भक्तानं न कुतश्चित् भयं क्वचित्, उस भक्त को कहीं पर भी भय की आवश्यकता नहीं, उसको कहीं भी डरना नहीं। हम भगवान शंकर की शरण में जाते हैं लेकिन भिखमंगे बनकर जाते हैं, चिंता लेकर जाते हैं, डरे हुए जाते हैं, सहमे हुए जाते हैं, रोते हुए जाते हैं। विष्णु भगवान ने क्या कहा, महेश शरणापन्ना ये जना मनसा मुदा, मुद मोद प्रसन्नता से भगवान के पास। प्रिय स्वजनों, भक्ति की परिणति कब होगी? लोग कहते हैं हम भक्ति करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता, हमने जो भक्तों के बारे में सुना ऐसा तो हमारे जीवन में कुछ दिखाई नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारी मेंटालिटी सही नहीं है, वी डू नॉट गो विद द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। मुदा मनसा, भगवान के पास जब जाओ तो प्रसन्न मन से जाओ।
सुबह रोज प्रातः काल तुम नहा धो के तैयार होके बैठे हो और आपका पड़ोसी कलिंगर जैसा मुंह बना के, फुटबॉल जैसा मुंह बना के रोज आए आपके पास, सब बेकार हो गया, क्या समाज है, क्या आज तो रात को नींद नहीं आई, फिर ऐसा हुआ सुबह पानी नहीं था, गीजर बिगड़ गया था, घर वाली ने चाय ठीक से नहीं बनाई, ये नहीं हुआ, पेपर वाला पेपर नहीं डाल, जो भी आपकी कचड़ 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 जो होगा वो पड़ोसी आके रोज आपको सुनाए, आप एक दिन सुनोगे, दूसरे दिन सुनोगे, तीसरे दिन सुनोगे, चौथे दिन सेवक से कहोगे वो बाजू वाला है तो कहना कि मैं नहीं हूं घर में, आई डोंट वॉन्ट टू सी हिम, क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ अच्छी बातें ही सुनने नहीं मिलती, बस वो कलिंगड़ जैसा मुंह बना करके दुखी 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 रोती हुई सब बातें ही करने आता है और कुछ है ही नहीं उसके पास। कितने सुखी हैं आप, कितनी आपके पास सुविधा है, आप कह सकते हैं कि मैं पड़ोसी से नहीं मिलूंगा, इतनी सुविधा भी भगवान के पास नहीं है। मंदिर में भगवान पुजारी ने सुंदर मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक किया हो, भगवान का सुंदर श्रृंगार करके दर्शन खोले हो और भगवान प्रसन्न मन से प्रातः काल में बैठे हैं और ये रोते हुए लोगों की लाइन लग जाती है, जो भी आता है कलिंगर जैसा चेहरा लेके, ये भगवान देखो हमारे नरेश भाई क्लोजअप दिखा रहे हैं मेरा, ये भगवान, रोती सूरत लेकर के भिखमंगे बन के केवल शिकायत 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 लेकर के फरियाद लेकर भगवान को कितनी परेशानी होती होगी। और भगवान की हालत यह है कि पुजारी से कह भी नहीं सकते कि बंद कर टेरा, नहीं मिलना है इसको, निकाल इसको मंदिर से बाहर, ही हैज टू फेस यू। क्यों आनंद है? मुदा मनसा भगवान शंकर के पास तो सर्वम भद्रम भविष्यति, प्रसन्न मन से बैठो प्रभु के पास, वही पड़ोसी रोज प्रसन्नता की बातें लेकर आए, अच्छे अच्छे समाचार लेकर आए, हंसता हुआ है, तो तीन दिन हुआ है, चौथे दिन आप राह देखोगे, अरे जरा बुलाओ पड़ोसी क्यों नहीं आए, अरे आओ आओ चाय पीते हैं साथ में बैठ के। आप प्रसन्न मन लेकर के भगवान के पास जाओगे तो भगवान आपकी प्रतीक्षा करेगा, आज मेरा भक्त नहीं आया, और एक बात याद रखो नारायण कहते हैं, ये पहली बात तो कही कि भगवान शंकर के पास प्रसन्न मन से जो जाता है उसको जीवन में किसी भी वस्तु से भय रखने की आवश्यकता नहीं, और दूसरा कहा कि देवता लोग आप तो स्वार्थ लेकर आए हो इसलिए आप चाहते हो कि शिव जी को जल्दी पुत्र प्राप्ति हो, कुछ जाके कहो लेकिन कह नहीं सकते, क्यों? श्रृंगार भंग समये भविता नाधुना विधे, हे ब्रह्मा जी भगवान शंकर का श्रृंगार भंग, ये जो विहार उनका चल रहा है वो कब होगा? समये भविता, उसका जब योग्य समय होगा तब भगवान शंकर अपने ये श्रृंगार रस से निवृत्त होंगे, विहार से निवृत्त होंगे, ना अधुना न अधुना अभी नहीं होंगे। एक बात ध्यान रखो, काल प्रयुक्तम कार्यंच सिद्धिम प्राप्नोति नान्यथा, जो कार्य अपने ठीक समय पे किया जाता है उसी से उसकी सिद्धि मिलती है, न अन्यथा, अपनी उतावल करने से अपनी जल्दबाजी करने से परिणाम नहीं मिलता। प्रत्येक कार्य की सफलता का एक निश्चित समय होता है। अंग्रेजी में कौन से विचारक ने कहा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन एवरीथिंग हैपन्स एट अ प्रॉपर टाइम, अवर ड्यूटी इज टू गिव टाइम टू टाइम, समय को समय दो, थोड़ा सा धैर्य रखो,
आप चाहो कि जल्दी, गुजराती में कहा ना उतावड़े आंबा न पाके। आपने यदि बीज बोया है तो उसको उगने के लिए समय दीजिए थोड़ा। मैंने बीज बोया, मैंने पानी दिया, मैंने फर्टिलाइजर दिया, मैंने किया, तो आप जल्दी होना नहीं होगा। इट हैज इट विल टेक इट्स ओन टाइम, और जो समय पे होगा वही सही होगा, न अन्यथा, उसके बिना नहीं। आधुनिक युग में लोगों की समस्या यह है प्रिय स्वजनों कि लोग अधीरे हो गए हैं, काम करते हैं, बुद्धि भी चलाते हैं, लेकिन जो समय देना चाहिए उतना धैर्य उनके पास नहीं है। इसलिए उनके पुरुषार्थ का परिणाम जब आए तब तक तो वो उकता गए होते हैं उससे, और वो परिणाम आता है वो परिणाम का आनंद भी नहीं ले सकते। मैं समाज को यही संदेश दूंगा कि आप पुरुषार्थ बहुत करते हो प्रिय स्वजन, भगवान की कृपा से बुद्धि भी बहुत आपके पास है, थोड़ी प्रतीक्षा करना सीख जाओ। विपरीत संजोग भी आए तभी तो तुम्हारी प्रतीक्षा की परीक्षा है। अधीरापन तुम्हारे पुरुषार्थ के परिणाम को बिगाड़ देगा, या परिणाम जो आएगा वो भी तुम्हें प्रसन्नता नहीं देगा, क्योंकि आपने प्रतीक्षा नहीं की। भगवान विष्णु कहते हैं शिव जी के श्रृंगार का भंग नहीं करते, क्यों? परिणाम बताया है और दृष्टांत के साथ कहा। आज भी समझदार लोगों को पता है, स्त्री पुंसो रति विच्छेद उपाये न करोति यह, तस्य स्त्री पुत्रयोर भेदो भवे जन्मनि जन्मनि। जो किसी युगल के रति में विघ्न रूप बनता है, किसी स्त्री पुरुष को परस्पर आकर्षण है और कुछ आत्मीय क्षणों का आनंद वे ले रहे हैं दोनों, उसको यदि कोई भंग कराए, उसमें विघ्न रूप बने, वह व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक अपनी स्त्री व अपने पुत्र से वियोग पाता है। दो समझदार मनुष्य है, वो कुछ निजी क्षणों का रस ले रहे हैं, उनको हमारे शास्त्रों ने कभी भी ये सहज क्रीड़ा का विरोध नहीं किया है। पश्चिम के लोगों ने किया, एडम एंड ईव बेचारे ईडन गार्डन में क्या गए और एक एप्पल खाया, प्रतीकात्मक रूप से वो एप्पल को ही फॉरबिडन एप्पल कह दिया, और वो एप्पल खाने के बाद जो भी कुछ हुआ वो सब पाप पाप, व्हाट एंस्यूड वाज ऑल सिन सिन सिन। भारतीय शास्त्र तो ये कहता है, स्त्री पुंसो रति विच्छेद उपाये न करोति यह, तस्य स्त्री पुत्रयोर भेदो भवे जन्मनि जन्मनि, भ्रष्ट ज्ञानो नष्ट कीर्तिर लक्ष्मी को भवे दिह। बड़े भयंकर परिणाम बताए, किसी की अंगत क्षणों में विघ्न रूप बनना, वो स्वयं अपने तो सुख से वंचित हो जाता है, उसके बाद भ्रष्ट ज्ञान, उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है, नष्ट कीर्ति, उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है, अलक्ष्मी कह उसकी लक्ष्मी भी नष्ट हो जाती है, दरिद्र हो जाता है। प्रयात्यन्ते कालसूत्रम वर्षलक्षं च पातकी। अरे इतना बड़ा, मृत्यु के बाद वो 100,000 वर्ष तक कालसूत्र नरक में रहता है, और फिर दृष्टांत दिए चार। दुर्वासा जी को अपनी पत्नी से वियोग हुआ, क्यों? क्योंकि वो दूसरे के रति क्षणों में विघ्न रूप बने थे। बृहस्पति जी को ये हुआ, क्यों?
क्योंकि कामदेव धृताची पर आसक्त था, उसको बृहस्पति ने रोका, तो बृहस्पति की पत्नी का भी हरण हुआ। बृहस्पति को पत्नी के बिना कुछ समय तक रहना पड़ा। महर्षि गौतम अहल्या से दूर हुए, वो प्रसंग हम जानते हैं। क्यों ऐसी घटना हुई महर्षि गौतम के जीवन में? क्योंकि गौतम ने स्वयं चंद्रमा को, मोहिनी से आसक्ति थी, उससे रोका था चंद्रमा को, उस दोनों में विघ्न रूप बने थे। और हरिश्चंद्र, इतने सत्य के आग्रही हरिश्चंद्र, तारामती से दूर होना पड़ा, अपने पुत्र रोहित से दूर होना पड़ा। तारामती सती है, पुत्र पिता का आज्ञाकारी है, फिर भी हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी और पुत्र से दूर होना पड़ा। क्यों? क्योंकि हरिश्चंद्र ने हालिक और वृषली के बीच में वो अंगत क्षणों के भेदन का कार्य किया था। ये दृष्टांत दिया है। तो सर्वम निषेक साध्यं च निषेको बलवान विधे, विष्णु भगवान कहते हैं। व्यासपीठ की मर्यादा, इसलिए कुछ इस पे विशेष मैं कह नहीं सकता, लेकिन एक बात अवश्य कहूं आधुनिक पढ़े लिखे और बुद्धिमान लोगों को, कि सनातन वैदिक संस्कृति के शास्त्रों ने जिस तरह से जीवन के सभी संवेदनाओं का स्वीकार किया है, हेल्दी एक्सेप्टेंस, उसके पीछे पागल बने हुए लोगों को भी मर्यादा बताई, लेकिन ये संवेदना का तिरस्कार नहीं किया, विरोध नहीं किया। एक मानव सहज इमोशन है, उसका स्वीकार किया। विष्णु भगवान कहते हैं देवताओं से कि जब समय होगा तो भगवान शंकर स्वयं निवृत्त हो जाएंगे और उनके तेज से पुत्र की उत्पत्ति होगी, तब तक आप प्रतीक्षा करें। ब्रह्मा जी, सभी देवता अपने अपने स्थानों में लौट गए, प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन जब ब्रह्मा जी कहते हैं कि बहुत समय हुआ, शिव जी ने भी देखा ना कि बाहर ये सब कोलाहल हो रहा है, विहार करते समय शिव जी के विहार से और दूसरी तरफ तारकासुर के जो पाप थे उससे पृथ्वी कांप उठी है। कुर्म के ऊपर जो पृथ्वी है वो धारण न कर सके, कांपने लगी, पवन स्तंभित हो गया, वायु ने बहना बंद कर दिया। फिर सब देवता लोग मिलकर के ब्रह्मा जी और विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान सभी को लेकर के कैलाश पर गए। शिव जी के गण थे तो उनसे पूछा कि भगवान शंकर कहाँ है? उन्होंने कहा हमें तो पता नहीं है कहाँ है। भगवान विष्णु को तो अधिकार भी है, इसलिए सीधे भगवान शंकर और पार्वती के आवास पर पहुंच गए, जहाँ निवास करते हैं वो। और भगवान शंकर क्या कर रहे हैं हम जानते नहीं हैं। शिव जी के द्वार पर आए भगवान विष्णु और कहा, अभी देखिए जो पहले जब विष्णु भगवान ने कहा था ना, तो वहाँ श्री भगवान उवाच था, अभी जो विष्णु कहते हैं वहाँ विष्णु रुवाच। किं करोषि महादेव अभ्यंतरे परमेश्वर तारकार्तान सुरान सर्वान पाहि न शरणागतान। हे भगवान महादेव, आप क्या कर रहे हैं? तारकासुर की पीड़ा से सब आर्त हैं देवता लोग, हमारी रक्षा कीजिए। विष्णु भगवान ने जब ये कहा तो तदा कर्णे महादेवो योग ज्ञान विशारदः त्यक्त कामो न तत्त
त्याज संभोगम पार्वती भयात। भगवान शंकर जानते हैं कि देवों का कार्य करना है, विष्णु ब्रह्मा जी और सभी देवता लोग आए हैं तो उनकी इच्छा भी परिपूर्ण होगी, करनी चाहिए, लेकिन त्यक्त कामो न तत्याज संभोगम पार्वती, पार्वती भयात संभोगम न तत्याज। स्वयं त्यक्त काम है भगवान शंकर, कामना के शिकार नहीं है, कामना का तो उन्होंने कब से त्याग कर दिया है, लेकिन पार्वती भयात संभोगम न तत्याज। पार्वती बुरा मान जाएगी, पार्वती की अभिलाषा है, पार्वती ने तपश्चर्या करके भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया है, पार्वती की इच्छा है कि प्रभु मेरे हों। तो उसकी अभिलाषा टूटे नहीं, उसकी इच्छा का भंग ना हो, इसलिए ये शब्द भी न तत्याज संभोगम। लोग संभोग शब्द का अर्थ केवल स्त्री पुरुष संबंध ही करते हैं, वो नहीं, समभोग, समभोग जो भी आनंद लेना है संसार का, लौकिक वस्तुओं का, भौतिक विश्व का, उसको कहते हैं भोग। भोग क्या है? इंद्रिय और विषय का जो भी संयोग होता है उसको भोग कहते हैं। इसलिए देखो, हम भगवान को जो नैवेद्य धराते हैं उसको भी कहते हैं भोग ले रहे हैं प्रभु। समभोग जहां दोनों पात्रों को समान आनंद आए, दोनों की इच्छा अभिलाषा पूर्ण हो, वो संभोग है। केवल एक की इच्छा पूरी करने के लिए दूसरे का शोषण हो रहा हो वो संभोग नहीं है। शिव जी जानते हैं त्यक्त काम है। प्रिय स्वजनों, शिवपुरा मैंने शुरुआत में कहा ये सब वर्णन ऐसा आएगा, इसलिए मैंने कहा कि ये शिव और शक्ति का लीला विलास है। कई बार लोग शास्त्रों में ऐसे शब्दों को सुनकर या तो केवल अनुवाद को पढ़कर हरी 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 शिव 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 करके जीवन के कुछ रहस्यों को समझाना है। और मैं ये बार बार कहता हूं कि जो हेल्दी एटीट्यूड भारत के ऋषियों ने दिया, जीवन का पूर्ण रूपेण स्वीकार किया, हजारों में कोई एक मनुष्य वैराग्य का भाव लेकर के निकल पड़े तो उसके चरणों में हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करें, लेकिन ये आप सभी के पास से अपेक्षा नहीं रख सकते। देर आर फिजियोलॉजिकल नीड्स, देर आर साइकोलॉजिकल नीड्स, देर आर इमोशनल नीड्स, और ये नीड्स यदि पूरी न हुई तो व्यक्ति परवर्ट हो जाता है, वो विकृत बन जाता है। समाज में कई बार, कई संप्रदायों में आप केवल विकृति देखते हैं, क्योंकि ये मनोविज्ञान का अभ्यास नहीं किया गया, उसका स्वीकार नहीं किया गया। जीवन एक दिव्य संभोग होना चाहिए जहां दोनों को आनंद है। शिवजी त्यक्त काम है लेकिन पार्वती की अभिलाषा थी, इसलिए भगवान शंकर ने संभोग का त्याग नहीं किया, कामना का त्याग किया, लेकिन पार्वती की इच्छा पूर्ण करना यह भी पति के रूप में शिव जी का कर्तव्य है, जो भगवान महादेव पूर्ण रूपेण जानते हैं। द्वार पर आए विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, सभी देवता लोग वहां पर उपस्थित हैं। देवताओं ने भगवान शंकर से कहा, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु,
हे देवों के देव, हे महादेव, हे करुणा के सागर, हे प्रभु अंतर्यामी ही सर्वेशम सर्वम जानासी शंकर। प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, सभी के अंतःकरण में विराजे हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आपसे अनजाना कुछ है ही नहीं। देव कार्यम कुरु विभो रक्ष देवान महेश्वर। हे महेश्वर आप देवों का कार्य कीजिए, देवों की रक्षा कीजिए। जही दैत्यान कृपान कृत्वा तारका आदि महाप्रभु, तारक आदि दैत्यों को वध कीजिए, देवों के ऊपर कृपा कीजिए। प्रभु भगवान शंकर कहते हैं, हे विष्णु हे विधे देवा सर्वेषां वो मनोगति ही यद भावी तद भवत्येव कोपिनो तन्निवारकः। कितने सुंदर सुंदर वाक्य हैं प्रिय सुजन, ये सब पावरफुल कोटेशंस हैं और किसके मुख से प्रकट हो रहे हैं? भगवान शंकर के मुख से। यद भावी तद भवत्येव कोपि नो तन्निवारकः। कुछ बातें ऐसी हैं कि जो होना है वो होगा ही, कोई उसका निवारण नहीं कर सकता, कोई उसको रोक नहीं सकता। यद भावी, दैट विच इज डेस्टाइंड, तद भवति एव, एव का अर्थ ज, वो होगा ही। कोपि नो तन निवारक, कोई भी, अर्थात भगवान शंकर जब कहते हैं कोपि नो तन निवारक, अर्थात मैं भी उसको बदल नहीं सकता। ये बार बार एक बात ध्यान, जीवन का स्वीकार करना सीखो। हमारी अधिकतम समस्याओं का कारण यह होता है हम जीवन का स्वीकार नहीं कर सकते। जो हो रहा है उसका स्वीकार नहीं कर सकते, क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ आज ही, क्यों हुआ। यही घटना 10 साल के बाद होती तो कोई चिंता नहीं, अभी क्यों हो गई। दूसरे के साथ होती तो कोई चिंता नहीं, मेरे साथ क्यों हुई। वाय वाय वाय, यही लोग पूछते, वाय मी वाय मी। उस समय यदि हम भगवान शंकर के इन शब्दों को याद रखें, यद भावी तद भवत्येव कोपि नो तन्निवारकः, जो होना है वो होकर ही रहता है, बेहतर है कि आप उसका स्वीकार करना सीख जाएं। कोपि नो तन्निवार, उसका निवारण नहीं कर सकते, निवारण करने जाओगे व्यर्थ संघर्ष में पड़ोगे। आपकी वेदना, आपके दुख की मात्रा और बढ़ जाएगी। मैं कई बार दृष्टांत देता हूं, नदी का प्रवाह हो रहा है, नदी बह रही है और उसमें 2 तिनके, एक तिनका नदी के प्रवाह में बिल्कुल आड़ा पड़ा हुआ है और वो चाहता है कि नदी के प्रवाह को मैं रोक दूंगा, है तिनका, और वो चाहता है कि नदी को रोक लूंगा मैं, वो रोकने का प्रयास करता है। भला तिनका धो 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 बहती हुई नदी को कैसे रोकेगा। कोशिश करता है सुबह दोपहर शाम रात निरंतर। और दूसरा एक तिनका है, वो नदी के प्रवाह में सीधा है, वो कहता है बस मैं तो नदी के प्रवाह के साथ जाऊंगा, जहां नदी ले जाएगी वहां मैं जाऊंगा। और वो जो जाता है वो उछलता कूदता नाचता गाता। दोनों तिनके अल्टीमेटली पहुंचते हैं वहीं पर जहां नदी पहुंचती है, समंदर में। लेकिन दोनों की यात्रा में कितना फर्क पड़ जाता है। एक तिनका लड़ता झगड़ता संघर्ष करता दुखी होता शिकायत करता निराश होता, पहुंचता तो समंदर में ही। और तीसरा तिनका जिसने नदी के साथ अपने आप को सिंक्रोनाइज कर दिया, वो उछलता कूदता नाचता गाता उत्सव मनाता
अल्टीमेटली तो वो भी समंदर में जाता। प्रिय स्वजनों, अस्तित्व का प्रवाह बह रहा है नदी की तरह और हम सब तिनके हैं। तय कर लो आपको कैसे बहना है। अल्टीमेटली तो मृत्यु रूपी महासागर में, या मृत्यु भी क्यों कहूं, परमात्मा रूपी महासागर में जाकर मिलना है। और जो हमारे पास 90-100 वर्ष का आयुष्य है, कैसे बिताना है? वो टेढ़े तिनके की तरह परिस्थिति को बदल देंगे, इसको बदल देंगे, उसको बदल देंगे, ये बदल देंगे, ये सुधार लेंगे। गुड लक टू यू। करते रहो संघर्ष जीवन भर, बने रहो अशांत, कंप्लेन, ये नहीं होता है, ये सोचते नहीं होता है, मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती है, कोई मानता नहीं है, सब बिगड़े हुए हैं। करते रहो संघर्ष, यह जीवन को उत्सव बना लीजिए। यद भावी तद भवत्येव। भगवान महादेव भी शंकर कैलाश में बैठकर मेरा महादेव ये कहता है, यद भावी तद भवत्येव कोपि नो तन्निवारक। हो रहा है, अल्टीमेटली हमें रहना तो है 100 साल ही ना, 150 रहो, 200 रहो, अस्तित्व के इस विराट प्रभु में 150-200 भी क्या है। जीवन को एक दीर्घ उत्सव बनाना है या कठोर संघर्ष बनाना है, तय आप करो। जो मेंटालिटी हमारी होगी उस पर तय होगा। तो शिव जी कहते हैं, यद भावी तद भवत्येव कोपि नो तन्निवारक। जो होना है वो तो हो जाएगा। अब हुआ ये, बिहार चल रहा है शिव जी का और उसमें से बाहर आए अति मर्यादा के साथ। श्रीमद् भागवत में लिखा है, भगवान शिव जी के तेज का स्खलन हुआ है। वो स्खलन हुआ, पृथ्वी पर गिरा। पृथ्वी उसका वो तेज जो था, उसकी आग थी, वो सहन न कर पाई। अग्नि ने, देवताओं ने कहा कि अग्नि तुम स्वयं अग्नि स्वरूप हो, तुम ले लो। तो अग्नि ने कपोत कबूतर का रूप लेकर के पृथ्वी पर से वो भगवान शंकर का जो दिव्य तेज है स्खलित हुआ, वो ग्रहण कर लिया, ले लिया। अब थोड़ी जो बातें आती है ना, आपको चिंतन करना पड़ेगा उसके। सब देवता भगवान की शरण में गए, प्रभु ये क्या हो रहा है, आपकी माया बड़ी कठिन है, कुछ कृपा करें प्रभु। भगवान शंकर ने कहा कि यदि अग्नि सहन नहीं कर पा रहा है, और अग्नि तो देवताओं का मुख है, तो जैसे अग्नि की स्थिति हुई सभी देवताओं की भी हुई, वो पीड़ा सभी देवताओं की भी हो गई। भगवान शंकर ने कहा, वमन करो। वमन कर दिया, पृथ्वी पर गिर करके वो तेज बड़ा पर्वत जैसा हो गया, मानो अंतरिक्ष को स्पर्श कर रहा हो। अग्निनारायण कहते, प्रभु मेरे इस कष्ट का निवारण करो। तो भगवान शंकर ने कहा, कोई सुलक्षणा स्त्री तुम्हें दिखाई पड़े,
उसमें तुम स्थापित करो, तुम सुखी हो जाओगे, तुम दाह मुक्त हो जाओगे। अग्नि कहते हैं, प्रभु आपका ये तेज है, मां भगवती पार्वती के बिना किसकी शक्ति है कि इसको ये धारण कर सके, कोई समर्थ नहीं है। तो फिर क्या करें इसका? भगवान शंकर की प्रेरणा से नारद जी ने अग्नि से कहा कि माघ मास में, ये चल रहा है ना माघ मास में प्रातः काल में किसी तीर्थ क्षेत्र में कोई स्त्री स्नान करती हो या महिलाएं स्नान करती हो, आप किसी तरह वो तेज उनके शरीर में स्थापित कर दो। माघ मास था, सप्तर्षियों की पत्नियां वहां स्नान करने आई हैं। स्नान करने के बाद उनको ठंडी लगी तो सप्तर्षियों की 7 पत्नियां हैं, उनमें से 6 पत्नियां एक अरुंधति को छोड़ के, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, उनको छोड़ करके बाकी की 6 पत्नियां स्नान करके, ठंड हो रही थी इसलिए आग सेंकने के लिए आई, उस समय उनके रोमकूप, त्वचा के ऊपर जो छिद्र होते हैं, पोर्स, स्किन के ऊपर के जो पोर्स हैं, उसके द्वारा अग्नि ने ये भगवान शंकर का दिव्य तेज ये 6 महिलाओं में स्थापित कर दिया, ऋषि पत्नियों में। गर्भवती हुई तो 6 ऋषि क्रोध में आ गए कि भई ये गर्भावस्था कैसे आई। ये 6 ऋषियों ने अपनी पत्नियों का त्याग किया कि वो जानते थे कि हमारे कारण से तो गर्भावस्था है नहीं, तो ये हुई कहां से। ये 6 पत्नियां अति दुखी हुई, उन्होंने हिम शिखर पर त्याग किया, बर्फ के शिखर पर, गंगा जी में त्याग किया, गंगा के प्रवाह के साथ। ये सिस्टमेटिक फिर अभी आएगी बात, एक 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 जब व्यक्ति बताएगा। सरकंडों में मैं बताता हूं आपको। अब बात यह हुई कि ऐसे करते करते बालक का जन्म हुआ। कभी हुआ? मार्गशीर्ष मास, अगहन मास जो कहते हैं, कि शुक्ल पक्ष की षष्ठी को भगवान शंकर के पुत्र का जन्म हुआ है, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी। पुत्र जन्म हुआ, वो जब पता चला, आनंद की अनुभूति हुई, मां पार्वती के अंतःकरण से तो दूध की धारा बहने लगी, अंतरिक्ष से इस बालक के ऊपर पुष्प की वृष्टि होने लगी, महान उत्सव होने लगा। ऋषि विश्वामित्र घूमते घूमते वहां पहुंचे, ये बालक ने कहा ऋषि विश्वामित्र से कि आप विधि पूर्वक मेरा संस्कार कीजिए। विश्वामित्र जी कहते मैं तो क्षत्रिय हूं, आप तो भगवान शंकर का जो दिव्य तेज है वो है आप, और मैं तो क्षत्रिय। बालक ने कहा चिंता न करें, आप में वो सामर्थ्य है, आप कीजिए मेरा संस्कार। सुजनों मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी की तिथि को
ये जो प्रकट हुए हैं भगवान शंकर के पुत्र दक्षिण भारत में भगवान कार्तिकेय सुब्रह्मण्यम नाम से जाने जाते हैं और वे भगवान शिव के परिवार के अभिन्न अंग हैं। सामान्यतः आप जाओगे भगवान शंकर के मंदिर में गर्भगृह में तो शिवलिंग होता है और शिवलिंग के सामने माँ पार्वती का स्वरूप होता है। यहाँ भी अपने पास जो इंद्रशील में भी भगवान शंकर का मंदिर है तो शिवलिंग है स्फटिक का और पार्वती जी का स्वरूप है। उज्जैन में महाकाल में यदि आपने दर्शन किए होंगे तो शिवलिंग तो स्वाभाविक रूप से है, वहां भगवती पार्वती भी हैं, वहां गणेश जी भी विराजमान हैं और वहां कार्तिकेय भी विराजमान है गर्भगृह में महाकाल में। बहुत कम लोगों की दृष्टि पड़ती है क्योंकि भीड़ बहुत रहती है, लोग जाए महाकाल के ही दर्शन करें, प्रातः काल में गए तो भस्म आरती कर तो बाहर बैठते हैं, लेकिन वहां कार्तिकेय स्वामी भी विराजते हैं। विश्वामित्र जी ने संस्कार किए हैं, कार्तिक स्वामी ने कहा कि मेरे संस्कार आपने किए, भले आप क्षत्रिय वंशोत्पन्न हैं लेकिन आप द्विज श्रेष्ठ बनेंगे। एक बार ऐसा हुआ कि कृति का नाम वाली 6 स्त्रियां वहां आई, इस बालक को देखा तो उनका मातृभाव जागृत हुआ, बड़े प्रेम से बालक को अपनी गोद में ली और 6 कन्याएं थी तो 6 कन्याओं को कृतिकाओं का ऐसा हुआ कि ये तो मेरा बालक है, मेरा बालक, मैं इसको दूध पिलाऊं, मैं उसको स्तनपान कराऊं। 6 की 6 कृतिकाओं की इच्छा पूर्ण करने के लिए ये बालक ने 6 मुख धारण किए, भगवान कार्तिक षडमुख कहलाए, षडानन कहलाए। इसका तात्विक अर्थ भी समझ लेना, तो कई बार आजकल के पढ़े हुए लोग, पढ़े लिखे लोग 6 मुख वाला कैसे हो सकता है, इसका तात्विक अर्थ ये है षडानन, षणमुख भी कहते हैं, अरे मुंबई में ऑडिटोरियम में षणमुखानंद, वो षणमुख 6 मुख वाले भगवान कार्तिकेय हैं। 6 मुख किस लिए है? तारकासुर जो दैत्य है, राक्षस है, उसको ना उसका नाश करने के लिए, तारकासुर का वध करने के लिए प्रभु पधारे हैं, अवतार धारण किया है। तो तारकासुर क्या, दैत्य वृत्ति कौन सी है? दैत्य वृत्ति षड विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये षड विकार का नाश करने के लिए जो अवतार लिया है प्रभु ने, वो षणमुख 6 मुख 6 ऊर्जाएं। कैसे होगा? काम का नाश संतोष से होता है, याद रखिए। क्रोध का नाश क्षमा से होता है। लोग भूल ये करते हैं, काम का नाश करने के लिए कामनाओं को पूर्ण करते हैं, ये इच्छा हुई पूरी कर दो, ये इच्छा हुई पूरी कर दो। कामना का विषय इंद्रियों को देकर के कामना पूरी नहीं होती, कामना को नष्ट यदि करना है, कामना पर अंकुश यदि लाना है तो संतोष ये एकमात्र मार्ग है। श्रीमद् भागवत में, मनुस्मृति में, महाभारत में, सभी में ययाति का चरित्र है, न कामानाम उपभोगे न काम कामायशाम्यति, हविषा कृष्णवर्त में एव भूय एवाभिवर्धते, शास्त्रकार ने कहा। विषय का उपभोग करके कामना को तृप्त करना,
ये तो ऐसी बात है कि अग्नि में घी डाल के अग्नि को शांत करना, अग्नि प्रज्वलित हो और उसमें आप घी डालो तो कुछ क्षणों के लिए ज्वाला दिखनी बंद हो जाएगी, फ्लेम दिखनी बंद हो जाएगी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अग्नि शांत हो गया। जैसे ही वो पकड़ेगा तो और बड़ी ज्वाला। विषय प्रदान करके इंद्रियों की कामनाओं को हम शांत नहीं कर सकते। कामना रूपी विकार को यदि शांत करना है तो उसका एकमात्र मार्ग है संतोष। क्रोध के सामने क्रोध करके क्रोध को आप अंकुश में नहीं ले सकते। क्रोध को शांत करना हो तो उसके लिए उपाय है क्षमा। लोभ रूपी जो विकार है उसको दूर करने के लिए उदारता चाहिए। जरा मुट्ठी खोलना सीखो, औदार्य। मोह रूपी विकार को दूर करने के लिए षडानन का जो एक मुख है वो प्रेम है। मोह लस्ट डिल्यूजन, उसको दूर करने के लिए प्रेम चाहिए। मद को दूर करने के लिए नम्रता चाहिए और दूसरी बात है निर्ममत्व चाहिए। जितना मेरा 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 ये बढ़ेगा ना उतना मद बढ़ेगा। जितना ममत्व कम होता जाए, मेरा 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 ये कम होता जाए, उतना मद भी अंकुश में आएगा। और दूसरी बात, जब कोई कार्य सहजता से होता है, नित्य बन जाता है, तब उसका मद नहीं रहता। सूर्य को कभी अपने प्रकाश का मद नहीं रहता। क्यों? ये सहज स्वभाव है उसके लिए। जो पेंटिंग करके सुंदर बनते हैं ना, चित्रामण करी करी रंग रंगीन, उनको अहंकार रहता है, आई लुक ब्यूटीफुल और हैंडसम। लेकिन जो सहज सुंदर है उनको ये मद नहीं हो सकता, स्वभाव है। तो जब कोई अच्छा गुण नित्य बन जाए, स्वाभाविक बन जाए, तो व्यक्ति मद से पर हो सकता है। और अंतिम बात है मत्सर ईर्ष्या, उसके लिए आदर चाहिए। जिसकी ईर्ष्या करते हो कोई फायदा नहीं है ईर्ष्या करके, उसके बदले उसका रिस्पेक्ट करो, आदर करो उसका, उससे कुछ प्रेरणा पाओ। और अपना जीवन सुंदर करो, तो ये षडानन है। खड़े हुए धीरे धीरे षडानन। अब बात ऐसी हुई कि ये कृतिकाएं बालक को पाल पोस के बड़ा कर रही हैं, श्रेष्ठ वस्त्र श्रेष्ठ आभूषण दुर्लभ और स्वादिष्ट अन्न देती हैं। दिने दिने ताप पुषुर बालकम तम महाप्रभम प्रशंसितानि स्वादूनि भोजयित्वा विशेषतः। बड़ा हूं एक बार पार्वती ने भगवान शंकर से प्रश्न पूछा है। देव देव महादेव शृणु मे वचनम शुभम पूर्व पुण्याति भारेण त्वं मया प्राप्त ईश्वरः। हे प्रभु, जन्म जन्मांतर के मेरे पुण्य होंगे जिसके परिणाम स्वरूप आप मुझे पति स्वरूप में प्राप्त हुए हैं।
एक बार की बात है कि जब आप मेरे साथ विहार में रत थे, उस समय देवता आपके पास कुछ अभिलाषा लेकर आए और आप मेरे साथ जो विहार चल रहा था वो छोड़ करके देवताओं से मिलने के लिए गए, तब आपका जो तेज है वो मेरे शरीर में न जा करके, मेरे उदर में न जा करके, रतिभंग कृतो देवैस्तत्र में भवता भव भूमौ निपतितम वीर्यम नोदरे ममते विभो। वो जो आपका तेज है वो भूमि पर गिरा, मेरे उदर में, मेरे शरीर में नहीं गया। प्रभु आपका जो वीर्य है, आपका जो तेज है वो कभी व्यर्थ जा नहीं सकता। कुत्र यातंच तद्देव केन देवेन निन्नुतम, उसका क्या हुआ मुझे वो जानना है। उसमें से कौन सा बालक प्रकट हुआ है? पार्वती जी ने ये जब प्रश्न पूछा, भगवान शंकर उसका अन्वेषण करते हुए बताते हैं। भगवान शंकर क्या उत्तर देते हैं ये हम समझे उससे पहले आइए कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम संकीर्तन करें। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। पार्वती शिव भजिलो जाओ कैलाश मां, पार्वती शिव भजिलो जाओ कैलाश मां, काम क्रोध मोह त्यजिलो जाओ कैलाश मां, पार्वती शिव भजिलो जाओ कैलाश बोलू
बीजा सौ काम छोड़ दियो, जाओ कैलाश मा खोटा सौ काम छोड़ दियो, जाओ कैलाश हे भावे जी, भावे जी शिव बजी लो हे वाला, जाओ कैलाश मा भावे जी शिव बजी लो, जाओ कैलाश मा भक्ति अखंड करी लो, भक्ति अखंड करी लो, जाओ कैलाश मा अखंड करी लो, जाओ हे भावे जी, भावे जी शिव बजी लो, शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर
कथं मत्स्वामिनो वीर्य अमोघ अमोघन्ते महेश्वर मोघं यातं च किंकिं वा शिशुर्जातस्य कुत्रचित् कैलाश पर विराजमान देवी पार्वती भगवान शंकर से पूछती कि अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए विष्णु भगवान के नेतृत्व में सब देवता जब आए थे उस समय हमारे विहार में भंग हुआ था, आपके प्रभु दिव्य तेज का स्खलन हुआ था, क्या हुआ उसका? भगवती पार्वती का ये प्रश्न सुनकर भगवान शंकर हंसने लगे। प्रहस्य जगदीश्वर, इतने समय के बाद याद आया पार्वती तुम्हें? प्रहस्य उवाच देवानाहूय मुनिश्चापि मुनीश्वर। मुनियों और देवताओं को निमंत्रण देकर के बुलाया है सबको फिर से एक बार के आइए। पूछा कहां गया? अमोघम कुत्रमे वीर्यम यातम केन च निन्नुतम, कहां गया वो मेरा दिव्य तेज? वो व्यर्थ तो जा नहीं सकता, अब बताइए। भगवान शंकर ने तो तब तक सीधे कह दिया कि यदि सत्य नहीं बताओगे या छुपाओगे तो सजा होगी। सभयम नाप तत्क्षिप्रम सचेदंडम न चारहति, दंड होगा। भगवान विष्णु कहते हैं, अरे प्रभु महादेव, कौन आपकी बात को टाल सकता है? कौन आपके सामने सत्य को छिपा सकता है? और सबने ये सत्य छुपाने से क्या सजा मिलेगी, क्या दंड मिलेगा, उसका वर्णन किया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब जब 9 दिनों में पूरी शिव पुराण की कथा संपूर्ण करनी होती ना, तब ऐसे विषय में नहीं जा सकते, लेकिन हम तो एक एक अध्ययन के रूप में कर रहे हैं, इसलिए हमारे यहां असत्य भाषण का या तो सत्य छुपाने का परिणाम क्या है, दंड क्या है, ये अलग अलग देवताओं के मुख से प्रकट होता है। दो बात होती है, या तो असत्य भाषण करो, झूठ बोलना, ये एक असत्य होता है, और दूसरा सत्य को छिपाना, ये भी असत्य है। पहले विष्णु भगवान कहते हैं, ते मिथ्यावादिन सन्तु भारते गुरुदारिकाः गुरु निंदारता शश्वत तद्वीर्यम यैश्च निन्नुतम्। जिसने भी आपने आपके तेज को छुपाया है प्रभु, वो सबसे पहले तो मिथ्यावादी हो, अर्थात उसके शब्द की कोई वैल्यू ना हो, वो उसका बोलना कोई भरोसा ही ना करे। कितना बड़ा पाप होगा जरा सोचो कि जिसके बोलने पर कोई भरोसा नहीं करता। लोग भरोसा ही नहीं करते, ये तो बोला करें, कितनी अपमानना होगी जरा सोचिए। पीपल डोंट टेक यू सीरियसली, पीपल डोंट टेक योर वर्ड सीरियसली, क्योंकि ये व्यक्ति ने अपने शब्दों पर कभी कोई
नियंत्रण रखा ही नहीं, कुछ भी बोलते रहता है। और यदि वह स्वयं अपने शब्दों का सम्मान न कर सके, अपने वाणी का, तो दूसरे कैसे करेंगे? मिथ्यावादी है वो। और विष्णु भगवान कहते हैं दूसरा पाप कि भारत में जन्म लेकर के जो व्यक्ति गुरु पत्नी गमन करे या गुरु की निंदा करे, उसको जो पाप लगता है वो पाप उसको लगे जो आपके दिव्य तेज को छुपाता हो। गुरु की पत्नी के सामने कुदृष्टि करना ये बहुत बड़ा दोष है, और उससे भी बड़ा दोष है गुरु की निंदा करना। जिस व्यक्ति ने आपके जीवन के विचारों को बनाया है, एक स्तर पर आपको ले आए, अब उस स्थिति पर आकर के जो आपको स्थिति पे लाया उसी की निंदा करते हो। एक शायर ने कहा है, सलीका जिसको सिखाया था हमने चलने का, सलीका जिसको सिखाया था हमने चलने का, वो आज हमें दाएं बाएं करने लगे। हाथ पकड़कर जिसको आप चलना सिखाओ, अब वही जब स्वयं समझे कि हम समझदार हो गए तो आपको आम ना कराए, ऐसे नहीं करते, ऐसा करते, अरे हमने तुझे सिखाया और तू हमें बता रहा है। गुरु की निंदा करना बहुत बड़ा पाप है। विष्णु भगवान कहते हैं कि भगवान शंकर यदि आपके तेज को जो छुपा रहा हो उसको ये पाप लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, तद्वीर्यम निहन्नतम ये न पुण्य क्षेत्रे च भारते स नान्वितो भवेत् तत्र सेवने पूजने। जिसने भी आपके तेज को छुपाया हो उसको ये पुण्य क्षेत्र समान भारत नगरी में आपका पूजन, आपका दर्शन, आपकी सेवा करने का अधिकार न हो। जो शिव से विमुख हो गया, लोकपाल कहते हैं कि उसको चोरी के पाप का परिणाम प्राप्त हो और वो हमेशा दुखी रहे। देवता लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रतिज्ञा करके उसका पालन नहीं करता, उसको जो पाप लगता है वो पाप लगे जिसने आपके तेज को छुपाया हो। देवपत्नियां कहती हैं, जो स्त्री अपने पति की निंदा करती है और वह स्त्री अपने माता पिता या बंधुओं से विहीन होकर जो प्राप्त उसको लगता वो लगे। शिव जी कहते हैं कि मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि मेरे तेज को किसने छुपाया, उसको जिसने छुपाया उसको क्या पाप लगे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि तेज गया कहां। वो एक बात याद रखना, ये संसार में कोई भी बात छिपी नहीं रह सकती। यूयंच साक्षिणो विश्वे सततम सर्वकर्मणाम युष्माकम निहितम किम वा किम ज्ञातुम वक्तुम अर्हत। हे देवता लोग, आपसे तो सब कुछ पता होना चाहिए संसार में क्या होता है। देवताओं का ये कार्य है। और आप, मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि वो मेरा तेज गया कहां, और आप मुझे बता रहे हैं कि जिसने छिपाया उसको ये पाप लगे। मुझे ये संबंध नहीं है, मुझे ये जानना है कि वो तेज गया कहां। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि शंकर भगवान को जब कोपित देखा तो सब कांप उठे और एक के बाद एक कहने लगे, मुझे पता है। सबसे पहले
क्षिति रुवाच, क्षिति पृथ्वी कहती है, वीर्यम सोढ़ु अशक्ताहम तद्बन्धौ निक्षिपम पुरा। प्रभु आपका वो दिव्य तेज मैं सहन न कर पाई तो मैंने उसको अग्नि में अर्पित कर दिया है, आप मुझे क्षमा करें। अग्नि कहता है वीर्यम सोढ़ुम अशक्तो हम, ये सभी लोग कहते हैं, ये आप शिव पुराण पढ़ेंगे यदि मूल ग्रंथ तो सबकी शुरुआत में यह है वीर्यम सोढ़ुम अशक्तो हम, वीर्यम सोढ़ुम अशक्तो हम, वीर्यम सोढ़ुम अशक्तो हम। उसको सहन करने में असमर्थ थे। अग्नि कहते हैं कि मैंने उस दिव्य तेज को कैलाश पर्वत के ऊपर त्याग कर लिया। कैलासे न्यक्षिपम सद्य कपोत आत्मा सुदुस्सहम। पर्वतराज हिमालय कैलाश कर गिरिरुवाच, वीर्यम सोढ़ुम अशक्तो हम तव शंकर लोकप गंगायाम प्राक्षिपम सद्यो दुस्सहम परमेश्वर। मैंने गंगा में अर्पित कर दिया उसको। गंगा जी कहती है मैं भी सहन नहीं कर पाई तो व्याकुलाति प्रभो नाथ न्यक्षिपम शरकानने। अत्यंत व्याकुल होकर के मैंने वो तेज को सरकंडे के वन में छोड़ दिया उसको। ये शरकानन है ना, शरक एक प्रकार का घास है, मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया और आपके लिए मैं लाया हूं रवि, वो शरक जो सरकंडा का घास है उसके लिए बॉटनिकल जो नेम है, नाम है, वो है हाइग्रोफिला सर्पिलम, नेस भी कहते हैं उसको, नीस NEES। और दूसरा एक बॉटनिकल नाम मुझे मिला कि ट्रिपीडियम बेंगालेंस, ये देखिए सरपट घास, ये ऐसा होता है यूजुअली नदी के पास या तो जहां पर सरोवर हो, पानी जहां पर भरा रहता हो वहां ये घास उगता है। ये प्रमाण में थोड़ा मजबूत होता है क्योंकि घास देखिए कम से कम 4-5 फुट की तो ये वॉल है, उसके वॉल से भी ऊपर डबल तो 10-12 फीट तक ये ऊंचा होता है, 3-4 मीटर तक लंबा होता है सरकंडा। हमेशा ये समूह में अधिकतर उगता है ये घास। सादी भाषा में इसको अंग्रेजी में मार्श कारपेट बोलते हैं, मार्शी लैंड जहां पर हो वहां कारपेट की तरह ये आ जाए तो इसको मार्श कारपेट बोलता है। 6 फुट तक की इसकी ऊंचाई तो आम बात होती है, एकदम ये दवाइयों में काम आता है, मेडिकल फील्ड में ये इसकी उपयोगिता बहुत है। तो ऐसा देखिए ये भी सब कथाओं में नहीं होता, ये इमेजेस जो आपको देखने मिलती है तुरंत एकदम क्लासरूम जैसा वातावरण, तो वो भी कैडिला फार्मास्यूटिकल्स के तत्वावधान में जो ये सत्संग की सरिता बह रही उसी में संभव है। ये ट्रेडिशनल जो अपना कथा का प्लेटफॉर्म हो वहां ये सब कहां करें। ठीक, तो गंगा जी कहती है कि मैंने सरकंडे के वन में प्रभु शंकर आपके उस वीर्य को त्याग दिया। वायु कहने लगे कि वो सरपत के वन में गिरा हुआ जो था तेज आपका, उसमें से एक सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। सूर्य नारायण कहते हैं मैंने उस बालक को देखा है रोते हुए, रुदंतम बालकम दृष्ट्वा गमस्ताचलम प्रभो, अस्ताचल गमस्ताचलम प्रभु। वो रोते हुए बालक को मैं देख नहीं सका तो मैं तो अस्ताचल, मैं तो अपनी यात्रा चार रखता हुआ पश्चिम की ओर चला गया। चंद्र कहता है मैंने उस रोते हुए बालक को देखा और वह भी देखा कि बद्रिकाश्रम की ओर से आती हुई और जाती हुई कृतिकाएं उसको अपने घर में ले गई। जल कहने लगा कि कृतिकाओं ने अपने हृदय का दूध पिला करके उस बालक को बड़ा किया है।
संध्या बोली कि उस कृतिकाओं ने इतने प्रेम से बालक को पालन पोषण करके बड़ा किया, और इसलिए कृतिकाओं ने उस बालक को बड़ा किया, इसलिए उस बालक का नाम रखा है कार्तिक। बोलिए श्री कार्तिक स्वामी महाराज की। भगवान शंकर के ये पुत्र का नाम है कार्तिक, कार्तिकेय भी कहते हैं। रात्रि कहती है कि कृतिकाओं को ये बालक अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है, इतना अच्छा संगोपन किया है। और सच पूछो, सिद्धांत दिया यहां पर, प्राणेभ्योपि प्रीति पात्रम यह पोष्टा तस्य पुत्र का। जिसने अपने प्राण से भी अधिक प्रेम देकर के इस बालक को बड़ा किया हो, यह पोष्टा सपुत्र कह, जो पोषण करने वाला होता है उसी का पुत्र होता है। जिसने पोषण किया, दिन कहता है कि ये कृतिकाएं बालक को श्रेष्ठ वस्त्र आभूषण देती है, सुंदर भोजन कराती है स्वादिष्ट रूप से। ये सभी की बात सुनकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए। पुत्र का जन्म हुआ है ये सुनकर पार्वती भी प्रसन्न हुई, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी है, याचकों को दान दिया है। और भगवान शंकर ने अपने गणों को कहा कि आप जाकर के मेरे पुत्र को ले आइए। गण शस्त्र अस्त्र सब लेकर के पहुंचे थे, वहां जब पहुंचे तो स्वाभाविक है, ऐसे शिव जी के गणों को अस्त्र शस्त्र लेकर आते हुए देखकर कृतिकाएं भयग्रस्त हो गई, डर गई। अब ये बालक है तो छोटा ही, लेकिन समझदार होने लगा है। तो ये बालक ने कृतिकाओं से कहा, डरो मत, मैं हूं ना आपके साथ। भयं त्यजत कल्याण्यो भयं किं वा मई स्थिते, मैं हूं मई स्थिते, मेरे होने से मैं हूं, फिर भी आप क्यों भय करती हो। सुजनों, किसी के जीवन में ये स्थान हम पा सके ना, बड़े गौरव की बात होती है। आप किसी को अधिकार से कह सके भयम संत्यज्य, भयम त्यजत, छोड़ो भय, भयम किम वा मई स्थिते, मैं हूं फिर भय क्यों करते हो। क्या आप कभी किसी के जीवन में ऐसे आधार रूप बन सके। अधिकतर तो होता है कि हमारी वजह से लोग डरते हैं बेचारे, हम किसी के जीवन में भय दूर करने वाले बने। कितना सामर्थ्य होगा और अपने सामर्थ्य पर कितना विश्वास होगा जब व्यक्ति ये कह सकते हैं कि भयम किं वा मई स्थिते, मैं हूं फिर इतना डरते क्यों हो। नंदीकेश्वर सम्मुख आए, कार्तिकेय के सामने उन्होंने कहा है कि, संबोधन भी कितना सुंदर किया नंदीकेश्वर ने, तुरंत भ्रातः, भाई, प्रवृत्तिम श्रुणु मे मातरश्च शुभावहम्। आप ही के कारण से, जिस कारण से हम आए हैं यहां आपके पास, वो सुन लीजिए। प्रेरितो हम महेशेन संहर्त्रा शंकरेण च। ये जगत का संहार करने वाले, विसर्जन करने वाले भगवान शंकर की प्रेरणा से हम यहाँ पर आए हैं। और भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने तुम्हारा पता लगाने के लिए हमें यहाँ पर भेजा है। वहां पर सब देवता आए थे, वहां पर चर्चा चली तुम्हारे बारे में, संशोधन कि कहाँ हो तुम, ये सोच रहे थे, तो हमें पता चला कि आप यहाँ कृतिकाओं के घर हो। नंदीकेश्वर कार्तिकेय को अपने जन्म का रहस्य बताते हुए कहते हैं कि भगवान शिव जी और पार्वती का जब एकांत स्थान में विहार हो रहा था, उस समय देवता जब आए, कार्तिक
तारकासुर से त्रस्त होकर के भगवान शंकर को विनती करने के लिए, तो वो विहार में भंग हो गया। उस समय भगवान शंकर के का दिव्य तेज पृथ्वी पर गिरा है। दृष्टस्य च सुरै शंभोर वीर्यम भूमौ पपात। फिर वो पूरी परंपरा जो यहां से बताई कि भूमि ने अग्नि को दिया, अग्नि ने गंगा जी में दिया, गंगा जी ने सरपट के वनों में डाला, फिर वहां पर कृतिकाएं आई, कृतिकाएं तुम्हें दे गई, ये इस तरह से तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम आगे अब चलो कैलाश पर, तुम भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करो, देवताओं तुम्हें देवता सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे और उससे तुम्हारे अवतार का जो हेतु है तारकासुर को मारो। भगवान शंकर आपकी प्रतीक्षा करते हैं। और छिपे तो तुम कब तक रह सकते हो? जैसे दृष्टांत बहुत अच्छा दिया है, यथा पतन महाकूपे द्विज राजो न राजते। कुएं के अंदर कभी चंद्र छिपा नहीं रह सकता है। दूसरे शब्दों में कहूं तो अंधेरे में कभी दिया छिपा नहीं रह सकता है। ऐसे आप भगवान शंकर के पुत्र हो, ऐसे पराक्रमी, ऐसे समर्थ पिता के पुत्र होकर आप कब तक छिपे रह सकते हो? चलो भगवान कार्तिकेय जाएंगे। ऐसी बात जब पता चली ना, तो कार्तिकेय ने कहा कि नंदी से, अब नंदी ने जब कार्तिकेय को भ्रातः संबोधन किया था, तो कार्तिकेय भी नंदी को भ्रातः सर्वम विजानासी ज्ञानम त्रैकालिकंच यत्। आप भी तो सब जानते हो, ये कृतिकाओं ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, तो मेरे पर उनके भी तो उपकार हैं। उनकी संवेदनाओं को तोड़कर तो मैं जा नहीं सकता। मेरे लिए तो साच में धर्म तो माता यथे मा सर्वसम्मता, ये तो मेरी धर्म माताएं हैं ये कृतिकाएं। लेकिन भगवान शंकर ने यदि बुलाया है तो मैं आपके साथ चलूंगा, ऐसा कह के कृतिकाओं की आज्ञा लेकर के कार्तिकेय नंदिकेश्वर के साथ भगवान शंकर के पास कैलाश की ओर चल पड़े। बहुत सुंदर दिव्य रथ विश्वकर्मा जी ने तैयार किया था, पार्वती जी ने वो भेजा था रथ। जैसे ही कार्तिकेय उस रथ पर विराजमान हुए, स्वाभाविक हैं सभी कृतिकाएं माताएं जो थी छे वो विलाप करने लगी, उनके केश बिखर गए। तदैव कृतिका प्राप्य मुक्त केश्य शुचात्र, बाल बिखर गए उनके विरह के अस मुक्त केश्य। और ये बात जब आती है तो मैं रोक नहीं सकता हूं, हमारे यहां खुले बाल है ना, वो बहुत सौंदर्य का प्रतीक नहीं माना गया। खुले बाल या तो राक्षसियों के होते हैं, जहां जहां भी हमारे शास्त्रों में राक्षसी का वर्णन आया है वो हमेशा खुले बाल लेकर आती। हमारे यहां जहां जहां प्रेतात्माएं जो होती हैं, डाकिनी डाकण, उनका जब वर्णन आता है तो हमेशा वो मुक्त केश्य होती है, खुले बाल बताए हम। इसलिए आप देखो, अभी तो पता नहीं मुझे फिल्मों में ऐसा कुछ आता है कि नहीं, लेकिन कॉलेज में जब मैं 30-35 साल पहले जब फिल्में कुछ देखता था, तो उसमें जब वो सस्पेंस वाली फिल्म आती ना जिसमें भूतनी केवा भूतड़ी न डाकण चुड़ैल, थैंक यू, वो शब्द मुझे याद नहीं आ रहा था। वो फिल्मों में जब चुड़ैल आती है ना, आपने कभी चुड़ैल को हेयर ड्रेस वाली देखा है, ऐसे हेयर स्टाइल की हुई? चुड़ैल हमेशा खुले बाल ही होते हैं उसके,
कहीं दीप जले कहीं दिल। हाँ, मन खबर न थी। हमारे जीतू भाई तो फिल्म का नाम भी बता देते हैं, लेकिन वो मुझे पता नहीं, वो मेरा विषय नहीं। करो 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 बराबर, बस बस कॉपी रह जाओ। यू तो वो जो गीत था उसमें हमेशा वो दिया लेकर के जाती है और खुले बाल। तीसरा कहा, जो स्त्री दुखी हो, विरह में हो, तो वो खुले केश हो जाते हैं, क्योंकि उसको होश नहीं रहता केशव। लेकिन जिसका होश ठिकाने पर हो, जो समझदार हो, वो कभी खुले बाल न छोड़े। सुन लो दुनिया वालों, यहां तो सबके बधे हुए हैं, लेकिन मुक्त केश यहां पर श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण जब अक्रूर जी के साथ चलते हैं गोकुल से, ब्रज से मथुरा की ओर, तो वहां भी वर्णन है कि गोपियों के बाल बिखर गए, क्योंकि गोपियां भी विरह में। खुले बाल ये दुख की निशानी, सुख की निशानी नहीं, सौंदर्य की निशानी नहीं। कृतिकाओं, मुक्तकेश्य सुचातुराः, कृतिका कहती है, विहाय आसमान कृपा सिंधो गच्छसि त्वम हि निर्दयः। हम सभी को छोड़कर, विहाय छोड़कर, कितने निर्दय हो तुम, जा रहे हो। नायन धर्मो मातृवर्गान पालितो यत् सुतस्त्य सुतस्त्यजेत। जिस माता ने पालन पोषण करके बड़ा किया, उसका त्याग करना ये पुत्र का धर्म नहीं है। आज के समाज में कितने लोगों को ये उपदेश की आवश्यकता है। जिस माता ने, जिस पिता ने पाल पोस कर बड़ा किया हो, अपने पास शक्ति आ जाए, कमाने की कौशल्य आ जाए, फिर वो वृद्ध माता को या वृद्ध पिता को छोड़ करके किसी वृद्धाश्रम में डाल के, आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ माई वे, मैं अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीना चाहता हूं, ये कहना कितना बड़ा पाप होता है। वो पुत्र धर्म नहीं है, वो संतान धर्म नहीं है। तो कार्तिकेय इसलिए पुत्र धर्म लिखा, पुत्री का भी कर्तव्य है कि जिस पिता की वजह से, जिस माता की वजह से जन्म हुआ, पाल पोस के बड़ा, उनकी इच्छाओं को, उनकी संवेदनाओं को रौंद कर, मेरी लाइफ है, मैं अपनी तरह से जीना चाहती हूं, मेरे इमोशन इनके इमोशन नहीं। जिसने तुझे पाल पोस के बड़ा किया, उसके कोई इमोशन नहीं, इमोशन नहीं। नायन धर्मो मातृवर्गान पालितो यत् सुतस्त्यजेत, सुतस्त्यजेत, ये पुत्र धर्म नहीं है। कृतिकाएं, स्वाभाविक है, विरह की व्यथा से मूर्छित हो गई हैं। तब सनत कार्तिक स्वामी ने कहा, कुमारो बोधयित्वा अध्यात्म वचने न वही, अध्यात्म वचनों से उनको बोध दिया है, उपदेश किया है, सांत्वना दी है, और फिर वह
ताभिश्च पार्षदै सार्धम आरुरोह रथम मुनै, उनको भी कहा चलिए साथ में, और पार्षदों के साथ में रथ पर आरूढ़ हो गए, अपने पिता भगवान शंकर के धाम में पहुंचे हैं। शिव जी ने जब देखा कितना पुत्र आया है, तो विष्णु ब्रह्मा जी और अन्य देवता मुनीश्वरों को लेकर के भगवान शंकर उनके पास गए। उस समय शंख भेरी इत्यादि अनेक अनेक प्रकार के वाद्य बजने लगे हैं। भगवान शंकर के कैलाश में अत्यंत दिव्य उत्सव होने लगा है, दिव्य भव्य रूप से स्वागत किया। लक्ष्मी आदि सखियों को लेकर के देवी पार्वती अपने पुत्र का स्वागत करने के लिए गई है। उस समय पार्वती के अंतःकरण से अमृत की धारा बह रही है। इतना बड़ा उत्सव हुआ। कार्तिक स्वामी ने रथ से उतरकर अपने माता पिता को, भगवान शंकर को, देवी पार्वती को झुक कर प्रणाम किए। अथ शक्तिधर स्कंदो दृष्ट्वा तौ पार्वती शिवौ अवरुह्य रथातुर्णम शिरसा प्रणनामः, प्रणाम किए। पार्वती जी ने कार्तिक स्वामी की आरती उतारी है। तदा निराजितो देवैः सकलत्रैर्मुदान्वितैः, सभी के साथ देवी पार्वती ने अपने पुत्र की आरती उतारी। शिव जी के भवन में पधारे। बड़ा प्यारा श्लोक है शिव पुराण का। भगवान शंकर का वात्सल्य भाव कैसा है देखिए। ज्ञानी है कैलाश राणा, निस्पृह है, निर्विकार है, मंदस्मिते न च तदा भगवान महेशः प्राप्तो मुदंच परमां गिरिजा समेतः प्रेम्णा सगद्गद गिरो जगदेक बंधूर्नोवाच किंचन विभोर् भुवनैक भर्ता। मंदस्मितेन च तदा भगवान महेश, भगवान महेश जगत के नाथ, उन्होंने जब अपने पुत्र को देखा है प्रथम बार, क्या स्थिति हुई। संसार का कोई सामान्य पिता होता तो नाचने लगता, पागल सा हो जाता। भगवान शंकर आनंद अवश्य हुआ, लेकिन मंदस्मितेन, मंदस्मित, बड़ा प्यारा सा स्माइल चेहरे के ऊपर। प्राप्तो मुदंच परमं गिरिजा समेत, गिरिजा पार्वती के साथ भगवान शंकर मंद मंद स्मित करते हुए, प्रेमणा सगद गद गिरो जगदेक बंधुं, जगत के एकमात्र स्वामी ऐसे भगवान शंकर प्रेम से परिपूर्ण हुए। गद गद गिरो, गिरा गदगद हो गई, भावुक हुए, और नोवाच किंचन विभुर भुवनैक भर्ता, ये संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र भरण पोषण करने वाले,
विभू सर्वव्यापी, ऐसे ही ये परमात्मा नोवाच किंचन, किंचन न उवाच, कुछ बोले नहीं, केवल अपने मुखारविंद पर सुंदर स्मित लिए हुए भगवान शंकर प्रसन्नता व्यक्त हुई, कंठ अवरुद्ध हुआ, वाणी गदगद हुई, लेकिन कुछ भी बोले नहीं। एक ऐसा वात्सल्य रस होगा। आ गया बेटा, अरे आ, तेरे बिना मैं कुछ नहीं। नोवाच किंचन विभोर भुवनई कबड़ता। शांति से भगवान शंकर ने एक सुंदर रमणीय सिंहासन के ऊपर अपने पुत्र कार्तिक को विराजमान किया है। वेद मंत्रों के द्वारा पवित्र तीर्थों से लाए हुए विविध कलश, यहां तो संख्या भी लिखी है, 100 कलश के जल से कार्तिक स्वामी के ऊपर उनको स्नान कराया गया है, अभिषेक हुआ। भगवान विष्णु ने अपनी वैजयंती माला कार्तिक स्वामी को अर्पण की, मुकुट दिया, बाजूबंद दिए और सुदर्शन चक्र भी उनको प्रदान किया। भगवान सदाशिव ने अपना त्रिशूल, पिनाक धनुष, परशु शक्ति, पाशुपतास्त्र, ये सब शक्तियां अपने पुत्र को प्रदान की हैं। ब्रह्मा जी ने कुमार कार्तिक को यज्ञोपवीत धारण प्रदान की, वेद और गायत्री का उपदेश किया है, कमंडलु दिया है, ब्रह्मास्त्र दिया है और शत्रुनाशिनी विद्या भी उनको प्रदान की है। इंद्र ने अपना ऐरावत नाम का हाथी और वज्र दिया, सूर्य ने उत्तम रथ दिया, अग्नि ने भी महान शक्ति प्रदान की, कुबेर ने गदा दी है, कामदेव ने उनको अत्यंत आकर्षक बनाया है और वशीकरण विद्याएं प्रदान की है। गरुड़ ने अपना चित्रबरहक नाम का पुत्र दिया है। चित्रबरहक संस्कृत भाषा इतनी सुंदर है, चित्र आकर्षक, एट्रैक्टिव, सुंदर, बरहक पंख जो है मयूर, जिसके पंख बड़े सुंदर, बरहा पीड़न नटवर वप बरहक, चित्र बरहक, जिसके सुंदर पंख है। इसे देखिए, कार्तिक स्वामी का जो वाहन है ना, वो मयूर है, गरुड़ ने दिया हुआ। पार्वती ने, मां है ना, परम ईश्वरी दिया, और सबसे बड़ी बात मां क्या देती है, पार्वती सस्मिता रुष्टा परम ऐश्वर्यमुत्तमम् ददौ तस्मै महाप्रीत्या चिरंजीवित्वमेव च। पार्वती ने कहा चिरंजीवी बनो मां, बाकी तो सब देवताओं ने बड़ी बड़ी सुंदर चीजें दी, मां पार्वती क्या देती, चिरंजीवी भव, दीर्घायु। मां हमेशा अपने संतान के लिए दीर्घ आयुष्य की प्रार्थना करती। पार्वती ने बड़ा उत्सव वहां पर हुआ है। शिवजी आए हुए सब लोगों से, देवताओं से कहते हैं कि बड़ी प्रसन्नता हुई, अब मैं आप पर प्रसन्न हूं, वरदान मांगिए, आपको क्या चाहिए मुझसे। तब सभी देवता कहते हैं कि प्रभु हमारी एक ही इच्छा है, तारकासुर का वध हो,
ऐसी प्रेरणा आप आपके पुत्र कार्तिक के को दीजिए, प्रेरणा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बस आपका आदेश जैसे होगा हम आज ही प्रस्थान करेंगे। भगवान कार्तिकेय की नियुक्ति देवों की सेना के अधिपति के रूप में हुई, देव सेना के नायक सेनापति भगवान कार्तिक हुए हैं। लोक कल्याण की इच्छा से तुरंत ही भगवान शंकर ने कहा, तथेति मत्वा सविभुर दत्तवांस्तनयम् तदा तथास्तु, ऐसा कहकर भगवान शंकर ने लोक कल्याण के लिए अपना पुत्र दे दिया है देवताओं। भगवान विष्णु ने कार्तिकेय को ब्रह्मांड का अधिपति भी बना दिया है। यह स्थिति पाकर के भगवान कार्तिक अब तारकासुर का वध करने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आज का समय होने आया है, इतना बड़ा पराक्रम करना है, तारकासुर को मारना है, देवों की सेना का आधिपत्य करके निकलना है। तुम कहेंगे कार्तिक स्वामी को कि निकलिए आप प्रस्थान कीजिए, लेकिन तारकासुर का वध कल कीजिए। तो प्रिय स्वजनों, महाशिवरात्रि के पवित्र पर्व पर सत्कर्म परिवार के द्वारा आयोजित और कैडिला फार्मास्यूटिकल्स परिवार के द्वारा प्रायोजित ये शिव तत्व दर्शन के तीसरे भाग का आज पहला सत्र, उसको हम विराम देते हैं। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। सब आरती उतारो भोले शंकर की, सब आरती उतारो भोले शंकर की, भोले शंकर की, शिव शंकर की, भोले शंकर की, शिव शंकर की, सब आरती उतारो भोले शंकर की, सब आरती उतारो भोले शंकर की। हाथ में डमरू त्रिशूल बिराजे, हाथ में डमरू त्रिशूल बिराजे, गले में है सरपन माला, गले में है सरपन माला, सब आरती उतारो भोले शंकर की, सब आरती उतारो भोले शंकर की। गणपति अंजन नंदी बिराजे, गणपति अंजन नंदी बिराजे, संग रहे उमियाँ गोरी माँ, संग रहे उमियाँ गोरी, सब आरती उतारो भोले शंकर की, सब आरती उतारो भोले शंकर की, भोले शंकर की, शिव 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 शंकर की, सब आरती उतारो भोले शंकर की, सब आरती ओ, सब आरती उतारो भोले शंकर की, सब आरती उतारो भोले शंकर की। कर्पूर पूरेण मनोहरेण सुवर्ण पात्रा दल संस्थितेन, प्रदीप्त भासा सह संगतेन, निराजनौ ते जगदीश कुर्वहे, मंगलं भगवान विष्णुर्मंगलं गरुड़ध्वजा, मंगलं पुनरिकाक्ष मंगलायतनो हरि।
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यत्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरण्यत्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरण्यत्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय।